आपका जो सिलेबस है CMA फाइनल दिसंबर 2018, आपको पता होगा कि आपके स्टडी मैट को अभी रिसेंटली रिवाइज किया गया है, लगभग महीने नहीं हुए हैं अभी, 20-25 दिन पहले। ये आपका स्टडी मैट है, जैसे अगर आप देखें तो आपके स्टडी मैट को, और यही सिलेबस है और यही इसी तरीके से आया बिका भी। पहले क्या था, हमारा जो पीछे का हिस्ट्री है आपके साथ, वो ये है कि स्टडी मैट बेकार होता है, स्टडी मैट को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको मत पढ़ना, उसमें बहुत सारे एरर हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं, आप तो हमारी किताब लो और वो पढ़ो और बेस्ट है, और उसके ऊपर नहीं आएगा क्वेश्चन, इसमें सच्चाई नहीं होती। आपका स्टडी मैट ह्यूमन एरर जैसे हमसे हो सकता है, आपसे हो सकता है, वैसा ही एरर है, उससे ज़्यादा एरर नहीं है। हाँ, ये बात और है कि पुराने स्टडी मैट में उन्होंने इररेलीवेंट्स पोर्शन जो आज की डेट में ख़त्म हो चुके हैं वो भी डाल रखा था, बट अभी जो रिसेंटली रिवाइज़ किया है, मैंने आपके पूरे स्टडी मैट को एक एक पेज को चेक करा है, सारा ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू में हम 10% का एरर बोल सकते हैं, जैसे कि कुछ केस लॉस जिसके सेक्शंस चेंज हो चुके हैं, वो केस लॉस डले हुए हैं, तो वो दो चार ऐसे छोटे मोटे एरर हैं, लेकिन एग्ज़ाम का जो रेंज है वो इसी में से आएगा। उसका आपको मैं लॉजिक बताता हूँ। जैसे आप 100 नंबर के पेपर में, इन्होंने 50 नंबर एलोकेट किया है एडवांस डायरेक्ट टैक्स लॉ पे, इसके डिटेल में जाएंगे, और 30 नंबर एलोकेट किया इंटरनेशनल टैक्सेशन पे, 20 नंबर स्टडी केस स्टडी पर है। अब आप मुझे बताइए, केस स्टडी आप भी जानते हो कि पूरे ईयर में, एक साल में मोर देन 1000 केस स्टडी आता है, तो कौन से केस स्टडी हम करेंगे? क्या ऐसा आपको लगता है कि ये जो इन्होंने दिया है वो प्लस और कुछ अच्छे से हम देख लें? नहीं पॉसिबल है। कुछ अच्छे से हम देखेंगे, वो अच्छा किसको तय करना है? आपका इंस्टीट्यूट मेंशन कर रहा है कि हम आपसे केस स्टडी पूछेंगे, और वो केस स्टडी वो लिख के दे रहे हैं, ये 41 केस स्टडी इन्होंने दिया हुआ है, इसके बियॉन्ड आ नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, वो डाल ही नहीं पाएंगे इसके बियॉन्ड, क्योंकि उन्होंने रेंज फिक्स कर रखा है कि 20 नंबर इतने केस स्टडी से आएगा, तो केस स्टडी हम छेड़ नहीं सकते, वो फिक्स है। हाँ, इसमें कुछ केस स्टडी जो इररेलीवेंट हो चुका है आज की डेट में, वो नहीं पूछेंगे, वो उन्होंने गलती से डाल दिया, उनका ध्यान नहीं है, लेकिन जब वो क्वेश्चन बनाएंगे तो उनको पता होगा कि ये सेक्शंस चेंज हो चुके हैं, ये केस स्टडी इररेलीवेंट हो गया है, बाकी सब ठीक है इधर। तो 20 नंबर तो केस स्टडी से आएगा। केस स्टडी से मतलब क्या? केस स्टडी से का क्या मतलब हुआ? आप क्या समझ रहे हो केस स्टडी से आएगा का क्या मतलब? एज इट इज ये केस फैक्ट्स में डालेंगे और फिर आपसे कहेंगे कि केस स्टडी, रेलिवेंट केस स्टडी डिस्कस करके बताएं। तो इसका पोर्शन किस तरीके से पैटर्न बनता है, आपको इसे तीन हिस्सों में सॉल्व करना होता है, तीन पैटर्न में सॉल्व करना होता है, थ्योरी लिखनी होती है तीन पैटर्न में। तो ये 20 नंबर का आएगा, यानी कि इसमें आपको दो या तीन केस स्टडी, अगर 10-10 नंबर का डाला तो दो, और 6 या 7 नंबर का डाला तो ऐसे में तीन केस स्टडी वो नोट डाउन करने के लिए देंगे, 5 केस स्टडी देंगे, उसमें ऑप्शन देंगे कि इसमें से 2 या 3 आपको करके लाना है। तो केस स्टडी आपको बताऊंगा कैसे लिखना होता है। ये 30 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये आपने सुना हुआ रखा होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग सुना हुआ होगा, डबल टैक्सेशन सुना हुआ होगा, ये दोनों सुना हुआ है आपने। लेकिन जब आप ये पढ़ोगे यहाँ पर तो आपको लगेगा कि आपने जो पहले कभी पढ़ा था वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि आप डबल टैक्सेशन क्या पढ़ते हो कि एक इनकम दो कंट्री में टैक्स हो रही है, यही तो पढ़ते हो। क्या आपने ये पढ़ा है कभी कि एक इनकम जब दो कंट्री में टैक्स होती है तो कौन सी कंट्री टैक्स लेवी करेगी, ऐसा कोई रूल पढ़ा है आपने पढ़ा है कि कोई एक कंट्री लेवी करेगी और एक कंट्री उसके क्रेडिट को दे देगा, एक कंट्री क्रेडिट दे देगा, एक कंट्री लेवी करेगी, लेकिन कौन सी कंट्री लेवी करेगी, इसके रूल्स क्या है, ये हमने नहीं पढ़े, वो फाइनल में पढ़ना है। तो जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है इंटर में उसको भी पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि इंटर में आज की डेट में ये नहीं है, तो इन्होंने जो फ्रेम तैयार किया है तो जो इंटर में आपने पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे, और जो इसका एडवांस पोर्शन है वो भी पढ़ेंगे। ये 30 मार्क्स का है। अब सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, ये देखिए 50 मार्क्स, ये आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी है, 50 नंबर। अब इस 50 नंबर में आप अगर चेक करेंगे तो कहीं भी आपको कैपिटल गेन नहीं दिखेगा, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी अदर सोर्सेस,
कहीं नहीं दिखेगा। देखिए ऐसा करते हैं हम लोग, मैं कैसे पढ़ाता हूँ वो बता देता हूँ। मैंने इसे एक, इसे मैंने बी में, बी पोर्शन में बना रखा है, ये बी पोर्शन है। अच्छा आपने ये नाम सुना है इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ICDS नाम सुना है आपने? नहीं सुना है, चलिए अच्छा है, ये ख़त्म हो चुका है तो आपके इसमें डाला था, क्योंकि जब ये तैयार हुआ था उस समय ये ठीक ठाक था, बट अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया और बजट 2018 में इन्होंने इसको वापस ले लिया, तो ये आपके कोर्स से हट जाएगा। ये सब भी आप नहीं जानते होंगे, ब्लैक मनी एक्ट क्या होता है सुना नहीं होगा आपने, ये बिजनेस रीस्ट्रक्चर भी आपने नहीं सुना होगा, बिजनेस रीस्ट्रक्चर क्या है, हाँ थोड़ा अमैलगमेशन डीमर्जर आपने सुन रखा है, ये सुना हुआ सा लग रहा होगा आपको, ITR असेसमेंट प्रोसीजर ये सब सुना हुआ होगा आपने, कभी थोड़ा बहुत तो सुना होगा। ये एक सबसे बड़ी मुसीबत है, देखिए असेसमेंट इंडिविजुअल का, ये इंडिविजुअल का असेसमेंट आपको दिख रहा है, कंपनी असेसमेंट यानी मैट, ट्रस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और म्यूचुअल एसोसिएशन ये आपने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। ये जो इंडिविजुअल असेसमेंट है इसी के वजह से आपको डिडक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, आपको टैक्स रेट भी पढ़ना पड़ेगा, आपको सेट ऑफ भी पढ़ना पड़ेगा, आपको क्लबिंग भी पढ़ना पड़ेगा, आपको फाइव हेड्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ये इसके वजह से, असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल के कारण आपको ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर हम इंटर वाले स्कोप से पढ़ेंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, हम इसे इंटर वाले स्कोप से नहीं पढ़ेंगे और पढ़ेंगे भी, दोनों चीज़ करेंगे। तो मैंने क्या कर रखा है बता देता हूँ, मैंने आपके सिलेबस को तीन हिस्सों में बांटा हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, तीन हिस्सों में बांटा हुआ है। पार्ट ए जो आज से शुरू हो रहा है, पार्ट सी जो अभी मैंने कल ख़त्म किया है, पार्ट बी है इंटरनेशनल टैक्सेशन है पार्ट बी, पार्ट सी है ITR अपील असेसमेंट प्रोसीजर, अपील रिवीजन, पेनल्टी एक्सेट्रा, इसमें बहुत कुछ है, सेटलमेंट कमीशन है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं एक्सेट्रा। और ये जो पार्ट ए है इसमें हम बहुत लंबा काम करते हैं, टैक्स रेट है, डिडक्शन है, सेट ऑफ है, क्लबिंग है, और जो फाइव हेड्स है उसमें हम करते हैं कैपिटल गेन, PGBP, IFOS, ये तीन करते हैं। इस तीन में जब हम ये दो कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम सिलेबस का कौन सा हिस्सा कवर कर रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल आपके मन में डाउट आए इसे मैं इनिशियली रिमूव कर दूं। वो जो हम तीन कर रहे हैं, कैपिटल गेन, PGBP और अदर सोर्सेज, ये तीन हिस्सा अगर हम कर रहे हैं तो दरअसल हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस चैप्टर की तैयारी कर रहे होते हैं। ये चैप्टर जो अमेलगमेशन हमें बताएगा इसमें कैपिटल गेन का सेक्शन 47 इन्वॉल्व है और PGBP का सेक्शन 32 इन्वॉल्व है। उसी तरह जब हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये इसी में से आता है। तो यानी हम कर रहे हैं कैपिटल गेन, PGBP, बट जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो मैं ये आपके सामने बिजनेस रीस्ट्रक्चर रखूंगा और आपको लगेगा कि ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप इसे अपने स्टडी से टैली ना करें, स्टडी मटेरियल से ही हम पढ़ रहे हैं, बट आप टैली करेंगे पेज बाय पेज नहीं पॉसिबल है। मैं उसे अपने तरीके से, मैंने आपके स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन किया है, मैंने तीन हिस्सों में डिज़ाइन किया है, ए, बी और सी, तो उसी तरीके से मैं लेकर चलूँगा, ठीक है बेटा। आज जो हम शुरू कर रहे हैं, देखिए इसमें कहीं से भी बच्चे एंटर हो सकते हैं, जैसे दिसंबर के कुछ बच्चे हमारे पास एंटर हुए थे, कहाँ से एंटर हुए थे तुम लोग? तो लगभग यहाँ से एंटर हुए थे, लगभग यहाँ से एंटर हुए थे वो, आपको फिर यहाँ से एंट्री दे रहे हैं, फिर कुछ बच्चों को यहाँ से भी एंट्री खुलेगी, वो यहाँ से भी आ सकते हैं। हाँ इसमें तो बीच में कहीं से भी बच्चे आ जाएं काम चल जाता है, इसमें बीच से आएंगे तो नहीं काम चलेगा, और इसमें बीच से आएंगे तो नहीं काम चलेगा, ठीक है ना। ये तो पहला वाला तो पुराना ही है हमारा इंटर लेवल पे।
जब मैं पढ़ाऊंगा तो इंटर लेवल को साथ लेकर चलूंगा, पहले इंटर का एक थोड़ा सा रिकैप करूंगा जो भी डिडक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ATC है, अब आपने कहा ATC थोड़ा सा वॉश आउट हो गया, वैसे याद है मोटा मोटा 150,000 का कुछ लिमिट हुआ करता था, बट कहाँ कहाँ क्या क्या है तो मैं एक बार गो थ्रू कर दूंगा इंटरमीडिएट का, उसके बाद फाइनल लेवल बताऊंगा। जैसे ATC में फाइनल लेवल कुछ भी नहीं है, सब इंटरमीडिएट है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन है जिसमें फाइनल लेवल है। जैसे आपने पढ़ा हुआ ATQQB, एक ऑथर था, लेखक था, उसकी रॉयल्टी इनकम होती थी, 3 लाख की छूट होती थी, इसमें इंटर लेवल भी है और फाइनल लेवल भी है। तो यानी इंटर लेवल एक बार करवा दूंगा, उसके बाद फाइनल लेवल पढ़ाऊंगा। तो जहां भी ऐसा कुछ होगा पहले इंटर कराऊंगा फिर फाइनल कराऊंगा, ताकि आप भूल गए तो एम्बेरस फील ना हो कि हम भूल गए, आप कुछ भी याद नहीं है। करें स्टार्ट आज। तो आज का टारगेट मैं बता देता हूँ, आज का टारगेट है हमारा टैक्स का एक बेसिक क्लैरिटी कर दें आपके लिए, टैक्स बेसिक कंसेप्ट और टैक्स रेट। कैलकुलेटर आज नहीं लाए होंगे, लाए? तो एक टैक्स रेट हम उठाएंगे, बेसिक उठाएंगे, बेसिक इनकम टैक्स बेसिक क्या होता है, और डिडक्शन या सेट ऑफ में से कोई एक चीज उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आज हम सबसे पहले ले रहे हैं बेसिक कंसेप्ट। बेटा बेसिक कंसेप्ट जब मैं लूंगा तो आपकी जरूरत पड़ेगी मुझे, आप अगर 2-4 क्लास बाद मेरे से खुलते हो तो 2-4 क्लास आप बर्बाद कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, शुरू से ही डिस्कशन चालू कर देना है ताकि डायरेक्ट टैक्स पे अच्छी ग्रिपिंग बने। अगर आप मुझे टीचर की तरह लेकर चलेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक फासला होना चाहिए, इतनी दूरी। लेकिन अगर बड़े भाई की तरह लेकर चलेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उम्र तो वही होगी मेरी, तुम्हारे पापा की उम्र का तो नहीं हूँ, तो बड़े भाई के हिसाब से चला लेंगे काम आप, उससे आप थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे। और यकीन मानिए मैं भी उसी हिसाब से आपके साथ बिहेव करता हूँ, पेश आता हूँ। चाहे आप डाउट की बात करें कि ये डाउट हो गया, ये नहीं समझ आया, या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसी तरीके से सोच कर हैंडल करता हूँ। तो मन में पहले टीचर वाला कंसेप्ट हटा दें, नहीं तो आपको पूछने में झिझक होगा, है ना? हैंड रेस करें ना करें, पता नहीं क्या बोल दिया सर ने, सुना नहीं हमने, बड़े भाई की तरह फील करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, ठीक है ना? अभी डन कर दिया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मेरा भी फायदा है ना इसमें, आपका थोड़ी सिर्फ फायदा है, मेरा भी फायदा है। अब जब बड़े भाई वाला डिस्कशन हो जाएगा तो फिर तो कोर्ट का कोई रूल लागू नहीं होगा। कोर्ट ने कह रखा है ना कि आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते स्टूडेंट्स में। अब तो बड़ा भाई का रिलेशन हमने और मैंने रिकॉर्डिंग में भी रख रखा है, सबूत भी मेरे पास है, तो फिर मैं अपने हिसाब से हैंडल करके आपको पढ़ाऊंगा, है ना? अगली क्लास थोड़ा कोशिश कर लेना टाइम पे। बेसिक कंसेप्ट, चलिए बेसिक कंसेप्ट में कुछ कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर कैसे कहते हैं, इस पर हम नहीं जा रहे। वैसे कैसे कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर? नहीं समझ आया, ऐसा समझो कोई नीचे जा रहा हो और तुम्हें बताना हो प्रीवियस ईयर कैसे कहते हैं, कैसे बताओगे? कहो भाई आप तो फाइनल में हो, आप तो बता ही दोगे प्रीवियस ईयर कैसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे प्रीवियस ईयर कैसे कहते हैं? देखो बेटा वो फाइनेंशियल ईयर होता है। वो कहेगा भाई नहीं समझ आया, फाइनेंशियल ईयर तो मैं भी समझ रहा हूँ, फिर हाँ बस ये ठीक है कि जिस ईयर में इनकम कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? नहीं एग्जाम का नहीं, आपका एग्जाम का नहीं, आपका कितना पैसा कमाया आपने? कुछ नहीं, तो प्रीवियस ईयर नहीं है आपका। यही बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करना है, यानी प्रीवियस ईयर जो आपने डेफिनेशन पढ़ाया मुझे, इसको आपने फील नहीं किया है कभी। आपने पढ़ाया जो इनकम कमाते हैं प्रीवियस ईयर है, बेस्ट आंसर है, लेकिन आपने इसे फील ही नहीं किया, बेकार है। फिर आपका प्रीवियस ईयर नहीं है क्योंकि आप इनकम नहीं कमाते, और मेरा प्रीवियस ईयर है क्योंकि मैं इनकम कमाता हूं। तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? मेरा तो बहुत सारा प्रीवियस ईयर है। आप ये बताओ कि कौन सा प्रीवियस ईयर सर आपका गुजर गया? हाँ ये बता देता हूँ, मेरा अभी रिसेंटली 17-18 गुजरा है, मैं ऐसा बोलूंगा। मेरा प्रीवियस ईयर अभी 17-18 गुजरा है, मैं ऐसा बोलूंगा, ठीक है? आपका प्रीवियस ईयर है ही नहीं, करेक्ट है? अच्छा,
अब बताइए, कल आपका जॉब आ जाता है कहीं से, कल, आज की बात नहीं कर रहा, आज कौन सी तारीख है, 4 तारीख, कल है 5, कल जॉब आ जाता है कहीं से, तो अब आपका प्रीवियस ईयर चालू हो गया कि नहीं, प्रीवियस ईयर चालू हो गया कि नहीं? नहीं, हम उस पर आते हैं। अभी आप बताइए, इस लड़की ने कहा कि जिस ईयर में इनकम कमाते हैं, आप इससे सहमत हो कि नहीं? प्रीवियस ईयर मीन्स जिस ईयर में इनकम कमाते हैं, अग्री और नॉट? अच्छा, ये लड़की नहीं कमा रही है तो इसका प्रीवियस ईयर नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा है जिस ईयर में पैसा कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये स्टेटमेंट सही है, इट इज ट्रू। असेसमेंट ईयर में आएंगे, कोई टेंशन मत लो, जिस ईयर में इनकम कमाते हैं वो प्रीवियस ईयर है, बिल्कुल सही है, और इस लड़की का प्रीवियस ईयर है ही नहीं क्योंकि ये इनकम कमाई नहीं रही। कल जॉब लग जाता है तो इसका प्रीवियस ईयर चालू हो गया 5 अप्रैल 2018 से। पांच अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, इससे हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ना वो इसको हैंडल कर लेंगे, इस पॉइंट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। नाउ अब हम असेसमेंट ईयर में आते हैं और इसको फिर से समझते हैं। असेसमेंट ईयर, उसको कैसे डिफाइन किया हुआ है, उसको डिफाइन किया हुआ है फाइनेंशियल ईयर ऑफ 12 मंथ्स, ऐसे डिफाइन है फाइनेंशियल ईयर ऑफ 12 मंथ्स इन विच टैक्स और इनकम इज टू बी कंप्यूटेड एंड लायबल टू पे। यानी पिछले साल की इनकम पे आप टैक्स निकालोगे, इनकम निकालोगे और पे करोगे, वो 12 महीना असेसमेंट ईयर है। जब डिफिनेशन में ही असेसमेंट ईयर को 12 महीना बोला गया तो वी कांट रिड्यूस कि हम उसे कम कर दें, 12 ही महीना होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर में उन्होंने लिखा है फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप इनकम कमाते हो, और वो भी कैसे लिखा हुआ है, असेसमेंट ईयर का जस्ट प्रिसीडिंग, असेसमेंट ईयर का जस्ट प्रिसीडिंग। यानी हमें असेसमेंट ईयर देखना है और उसका जस्ट प्रिसीडिंग देखना है, तो फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का असेसमेंट ईयर होगा और प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है। कब कम होता है प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम? जब आप नई इनकम अर्न करते हो, जब आप कमा नहीं रहे हो और अचानक आपने, जैसे एक ए लिमिटेड है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 15 जून को, तो उसका पहला प्रीवियस ईयर 15 जून से 31 मार्च रहेगा। ऐसी बातें आपने सुनी हुई जरूर है, लेकिन इसको और फोकस करके, इसको जूम करके आपने एनालाइज नहीं किया, जो जरूरी है, फाइनल में इसकी जरूरत पड़ेगी। खैर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, पर्सन, एसएससी, पर्सन किसे कहते हैं? हाँ हाँ, किसे कहते हैं पर्सन? छोटी छोटी बातें हैं, आज तो छोटी छोटी बातें कर लें। पर्सन किसे कहते हैं बोल भाई? इंडिविजुअल को कहते हैं, तो मैं पूछूंगा कंपनी को फिर नहीं कहते? सबको कहते हैं, मतलब किस, तो फिर इस ग्लास को क्यों नहीं कहते? किसको कहते हैं बताना तो पड़ेगा, आपके तो सबको, तो फिर ये ग्लास भी होगा। आपने कहा नहीं सर, फिर जान होना चाहिए ना, इसमें जान नहीं है तो कंपनी में भी जान नहीं। लो, ये डेफिनेशन कहाँ से आया, बिल्कुल सही आया, जो इनकम अर्न करता है वो पर्सन है। मैंने ऐसे ही पढ़ाया था कभी एक बार ना, जो इनकम अर्न करता है वो पर्सन है, और गलती से क्या हुआ कि एक बच्चे ने फ्री माइंड, एकदम फ्री माइंड से कुछ भी आता है क्वेश्चन, उसने पूछा सर एक मिनट, उस समय एंटरटेनमेंट फिल्म आई थी, दिमाग में उसके घूम रहा था, उसने कहा वो जो डॉग था सर उस फिल्म में, वो पर्सन होगा कि नहीं? क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा है, क्योंकि आपने कहा जो इनकम अर्न करे तो वो डॉग पर्सन होगा कि नहीं? आपका क्या जवाब है? फंस गए, फंस गए कि नहीं फंस गए? सीधी बात बताइए, फंस गए? आपको बताना था कि बेटा वो डॉग इनकम अर्न नहीं कर रहा, अर्न इनकम जो कर रहा है वो डॉग का ओनर इनकम अर्न कर रहा है, ओनर ऑफ द डॉग। क्या हमारे देश में डॉग के ओनर पॉसिबल है लीगली? यस, ओनर पॉसिबल है, यस। तो अब जब मैं ओनर हूं उस डॉग का, तो इनकम मेरी है ना कि उसकी? इस मकान की इनकम नहीं है, मकान मेरा है तो मेरी इनकम है, इस मकान से है, उस डॉग से है। अब यहीं पर सुनिएगा, मेरा बेटा है, कितने महीने का? 6 महीने का है। चलो, एक फिल्म से ऑफर आ गया कि 6 महीने का बच्चा चाहिए, वो यही वाला सही रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ले जाइए। 5-6 दिन में लौटा दिया उन्होंने,
शूटिंग खत्म हो गई और 5 लाख रुपए पकड़ा दिए, ये लीजिए साहब। अब प्रश्न यह है कि यहां पर पर्सन कौन है? एसएससी पर मैं नहीं जा रहा, अभी एसएससी पर जाऊंगा, अभी पर्सन की बात हो रही है। पर्सन कौन है आप, मैं या बेटा? सोचो सोचो ना। उस कुत्ते में सेंस था कि वो कमा रहा है, उसको तो सेंस नहीं है कि वो कमा रहा है, सेंस नहीं है ना उसको, और ना इस बच्चे में सेंस है कि ये कमा रहा है, सेंस तो नहीं है, सेंस रख के नहीं कमा रहा लेकिन कमा रहा है। अब प्रश्न है कि यहां बेटा या पिता कौन है पर्सन? आंसर है वो बेटा है पर्सन, क्योंकि बेटा का मैं ओनर नहीं हो सकता, गेट इट पॉइंट, मैं ओनर नहीं हो सकता, गार्डियन हो सकता हूं बट ओनर नहीं हो सकता, मैं उसका ओनर नहीं हूं कि मैं कमा रहा हूं उसके माध्यम से। तो जब जब बात ओनरशिप की आएगी तब वो माध्यम बन जाएगा, जैसे मैं इस मकान का ओनर हूं तो ये माध्यम बन गया और मैं फ्रंट पे आ गया, इनकम मैं कमा रहा हूं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने चाहिए, साथ में बुक वगैरह में भी मेंशन है, मैं दिखा दूंगा। तो हमने बात किया प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पर्सन एसएससी, ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स की बात करें, डायरेक्ट इनकम टैक्स पे आ जाते हैं। तो बताइए इनकम टैक्स आपके हिसाब से क्या है? इनकम टैक्स, ये लीजिए मैंने लिख दिया इनकम टैक्स। तो बताइए आपके हिसाब से, आपने सुना है ये चीज़ कि हर एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है, ऐसा कुछ सुना है आपने? अच्छा छोड़िए, आपने सुना होगा हर चैप्टर में, 5 हेड्स हैं हमारे पास, तो हर चैप्टर में एक चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन का क्या काम है? वो बताता है कि कौन से रूल के अकॉर्डिंग आप इनकम को वहां लेकर आ रहे हो, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो हाउस प्रॉपर्टी में जो चार्जिंग है वो कौन सा सेक्शन है? कोशिश हाँ भाई, सेक्शन याद नहीं होता, देख तेरे खून में डाल दूंगा, आज तू घर जाना देखना सारे सेक्शन याद है। बात क्या है, सेक्शन याद नहीं होता, बच्चे कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सेक्शन नहीं याद होता, थप्पड़ तो याद होता है, आपकी बदतमीजी अगर आपके साथ किसी ने की वो तो याद होता है, क्या उसके नोट्स बनाते हो, घर जाके रिवाइज करते हो, लेकिन याद कब तक रहता है? लाइफ टाइम। इसका मतलब आपके दिमाग में कमी नहीं है, दिमाग में कमी होता तो किसी के थप्पड़ भी भूल जाते, आज मारा कल भूल गए, वो सामने खड़ा है, पता नहीं भाई मैंने तो नहीं देखा, यानी थप्पड़ तो लाइफ टाइम याद रहता है आपको। उसी तरह अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी 50 लोगों के बीच में, लाइफ टाइम याद रहेगा आपको। तो गौर कीजिए क्या क्या चीज़ें लाइफ टाइम याद रहती हैं बिना रिवीजन के। अगर आपने वो टेक्निक समझ ली और पढ़ाई में उसे लगा दिया तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ घर पे बिना पढ़े आप एग्जाम तक सब याद रख सकते हो। वो टेक्निक सोचो क्या है, कुछ तो है ना ऐसा आपके दिमाग में, जो एक थप्पड़ है तो वो लाइफ टाइम कैसे याद रह रहा है? बचपन में लड़ाई हुई आज भी याद है, वो लड़का मिल गया सामने तो मार सकता हूँ मैं, ये सब कैसे हो रहा है? दरअसल आप जब भी अपने आप को 100% सामने रखते हो वो चीज़ें लाइफ टाइम याद रहती हैं। पढ़ाई में 100% क्यों नहीं आप रख पाते? क्योंकि पढ़ाई बचपन से आपने नफरत की तरह देखा है, मैंने भी देखा है, क्योंकि हमें बोला गया पढ़ो 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 पढ़ो, तो हमने कहा अच्छा पढ़वा लो फिर नहीं पढ़ेंगे, किताबें सामने रहेगी खुला रहेगा नहीं पढ़ेंगे, खूब हमने ड्रामा किया, पन्ने पलट देते हैं थोड़े थोड़े देर पे कि लगे कि हम पढ़ रहे हैं, मैंने भी किया आपने भी किया। इसलिए हमारा साइको ऐसा बना हुआ है कि हम पढ़ाई के प्रति अपने आप को 100% समर्पित नहीं कर पाते, एग्जाम के प्रेशर की बात हो रही है वो तो जबरदस्ती करना पड़ता है फिर। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, बचपन की बात को थोड़ा सा निकालो और सोचो कि यहाँ पर जो पढ़ोगे वही पैसा कमा के देगा, यहाँ पर अब एग्जाम की बात नहीं अब पैसे की बात है, जितना ज्ञान उतना पैसा। आप मानते हो कि नहीं इस बात को कि आप सब अगर क्वालिफाई हो जाते हो, सब ने CMA फाइनल क्वालिफाई कर लिया तो सबको एक बराबर पैकेज नहीं मिलेगा? कोई ऐसा है जो डिसएग्री है मेरे इस बात से? हर कोई एग्री है, इसका मतलब हर कोई जानता है कि पैकेज बराबर नहीं होगा, फिर उस किस चीज पर निर्भर होगा? आपके नॉलेज पर, मार्क्स पे नहीं होता क्या? तुम्हारा ज्यादा नंबर है तुम इतनी मल्टीप्लाई 1000, जितना नंबर है मल्टीप्लाई 1000 पर मंथ तुम्हारी सैलरी, ऐसा तो नहीं होता। तो यानी डिपेंड कर रहा है आपके नॉलेज पर। तो हम क्या कर रहे हैं आज, नॉलेज ले रहे हैं और ये हर जगह काम आना है। अगर ऐसे सोचोगे तो याद रहेगा, देखना कैसे याद रहता है सेक्शन, सब याद हो जाएगा। सेक्शन 22 जो कहता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अब उसमें क्या लिखा है मालूम? उसमें लिखा है अगर ओनर हैं आप इस मकान के, ओनर हैं ओनर, तो आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। यानी उन्होंने क्या कंडीशन डाल दिया, ओनर का ओनर होना जरूरी है,
तो यानी अगर मैं किराए के मकान में रहता हूँ और फर्दर उसे किराए पर उठाता हूँ तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, वो अदर सोर्सेज इनकम है। तो चार्जिंग सेक्शन मैं समझा रहा हूँ, उसकी फीलिंग बता रहा हूँ, मैं हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रहा। चार्जिंग की सेक्शन का क्या महत्व है? तो क्या इनकम टैक्स एक्ट में कोई चार्जिंग सेक्शन है? क्या इनकम टैक्स एक्ट में कोई चार्जिंग सेक्शन है? यस। कौन सा है वो चार्जिंग सेक्शन सर? वैसे तो सर थ्री होना चाहिए हम गेस करें, क्योंकि वन इज द नेम, सेकंड इज द डेफिनेशन एंड थर्ड शुड बी चार्जिंग, बट यहां फोर्थ है चार्जिंग। यानी इनकम टैक्स में जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन चार। अब पढ़िए, लिखिए तो जरा मेरे साथ लिखिए। सेक्शन फोर, ये मेन रूल है इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर एनी AY एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड ऑन, थोड़ा थोड़ा फैल के लिखेंगे, फैला के लिखेंगे थोड़ा सा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे मैंने छोड़ दिया नीचे आ गया मैं, तो आप भी नीचे आ जाइए, कोई बात नहीं, आज के बाद समझ आ जाएगा। लिखिए लिखिए, कोई बात। प्रेस्क्राइब ऑन द टोटल इनकम, ये तो हम एक पेशेंट लेकर आए हैं, इसका भी ऑपरेशन होना है। टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन ये कह रहा है कि इनकम टैक्स शैल बी चार्जेबल, शैल बी चार्ज्ड फॉर एनी असेसमेंट ईयर। यानी इनकम टैक्स कब लगेगा? असेसमेंट ईयर के लिए, किसी असेसमेंट ईयर के लिए लगेगा। रेट जो प्रेस्क्राइब्ड है, इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड। अब बताइए कैसे पढ़ेंगे हम? इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम कौन से ईयर के लेनी है? प्रीवियस ईयर के लिए। और टैक्स रेट जो इनकम टैक्स चार्ज होगा वो किस चीज के लिए होगा? असेसमेंट ईयर के लिए चार्ज होगा। और रेट क्या होगा? जो प्रेस्क्राइब्ड होगा, रेट जो प्रेस्क्राइब्ड होगा। तो बताइए अगर मैं इससे फॉर्मूला निकालूं तो हमारा नीचे फॉर्मूला बनना चाहिए इनकम टैक्स बराबर, इनकम टैक्स बराबर टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई टैक्स रेट ऑफ असेसमेंट ईयर, यही होना चाहिए। आप इसको एक बार नोट कीजिए, नीचे भी नोट कीजिए। देखिए असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर डिफाइन है सेक्शन 29 में। असेसमेंट ईयर डिफाइन है सेक्शन 29 में। पर्सन डिफाइन है, नहीं 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 आपको याद नहीं करना, याद जो करना होगा वो सेक्शन में खुद बोलूंगा स्पेशली कि बेटा इसे याद करना है। और एक मजेदार घटना घटेगी, मैं कहूंगा बेटा इसे याद करना है बट तुम मत करना, मैं कराऊंगा, और तुम देखना धीरे 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 वो सेक्शन याद हो जाएंगे तुम्हें, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। बस तुम ये सुन लेना कि हाँ जी ये सेक्शन हमें याद रखना है, दैट्स ऑल। ठीक है, देखो जरा हमारे स्टूडेंट्स कितने बजे आते हैं, क्या इज्जत रह गई मेरी, ये सब क्या सोच रहे हैं। पर्सन डिफाइन है सेक्शन 2 ब्रैकेट 31 में,
प्रीवियस ईयर डिफाइंड है, अभी कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं था जो आपको याद करना था, अभी तक कोई भी सेक्शन याद नहीं करना, प्रीवियस ईयर डिफाइंड है सेक्शन 3 में। हाँ लिख सकते हैं इसको कहीं सर्कल करके, प्रीवियस ईयर डिफाइंड है सेक्शन 3 में, और टोटल इनकम डिफाइन है 245 में। ये 245 याद रखना पड़ेगा। तो क्या रूल बना हमारा, इनकम टैक्स का क्रक्स क्या है बेटा, इनकम टैक्स बराबर टोटल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट। इनकम टैक्स का क्रक्स क्या है, टोटल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट। अच्छा टोटल इनकम कहाँ डिफाइन है, अभी आपने बताया था मुझे कुछ, टोटल इनकम सेक्शन, टोटल इनकम डिफाइन है, हाँ टोटल इनकम डिफाइन है 245 में, टोटल इनकम डिफाइन है 245 में, और टैक्स रेट कहाँ डिफाइन है, ओए होए मजा आ जाएगा, यही तो जड़ है टैक्स रेट। टैक्स रेट कहाँ डिफाइन है, टैक्स रेट में थोड़ा लफड़ा है, टैक्स रेट यहीं से आपको ध्यान रखना है, फाइनल का स्टडी शुरू हो गया, टैक्स रेट जब मैंने बोला तो यहां से मामला चालू है, जरा होश में। टैक्स रेट दो जगहों पर डिफाइन है, दिमाग में बैठा के चलना है, दो जगहों पर डिफाइन है, एक फाइनेंस एक्ट में ईच एंड एवरी ईयर डिफाइन करते हैं, हर साल डिफाइन करेंगे फाइनेंस एक्ट में हर साल, और दूसरा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन है। इनकम टैक्स एक्ट बोला तो सेक्शन होगा, इनकम टैक्स एक्ट बोला तो सेक्शन होगा, तो यानी टैक्स रेट दो जगहों पर फैला हुआ है, एक इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बैठा है, सेक्शंस में बैठा है, सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, कुछ होश आया, सेक्शन 115 डबल बी विनिंग फ्रॉम लॉटरी रेस क्रॉसवर्ड पजल्स 30%, कुछ होश आ रहा है, सेक्शन 111 ए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीटी अगर पेड हुआ तो 15%। कुछ सेक्शन बता रहा है कि ये टैक्स लगेगा, जब सेक्शन बताता है टैक्स रेट तो उसे कहते हैं इनकम वाइज टैक्स रेट। सेक्शन जब बताता है तो वो इनकम के साथ टैक्स बताता है, सेक्शन जब बताता है तो वो कहता है ये वाली इनकम है ना, इस वाली इनकम पर ये टैक्स लगेगा, इस वाली इनकम पर ये टैक्स लगेगा, और जो फाइनेंस एक्ट बताता है फाइनेंस एक्ट, वो कहता है इस वाले पर्सन पर ये टैक्स लगेगा। इंडिविजुअल हो क्या, स्लैब लगेगा, अच्छा कंपनी हो क्या, 30% लगेगा, अच्छा विदेशी कंपनी हो क्या, 40% लगेगा, यानी फाइनेंस एक्ट एसएससी वाइज टैक्स रेट बताता है, और इनकम टैक्स एक्ट में क्या बताया हुआ है, एसएससी वाइज, बोलो बोलो इन, हाँ सेक्शन में क्या बताया हुआ है, सेक्शन में क्या बताया, इनकम वाइज, यानी वहां फोकस है इनकम पे, ऐसी इनकम दिख जाए ना तो यही टैक्स लगेगा, और फाइनेंस एक्ट बताता है ऐसा एसएससी दिख जाए तो यही टैक्स लगेगा। तो सर एक बात बताइए, जीतेगा कौन, कौन जीतेगा, सेक्शन जीतेगा, यानी अगर फाइनेंस एक्ट कहता है कि कंपनी पे 30% टैक्स लगाओ, फाइनेंस एक्ट कह रहा है कंपनी पे 30% टैक्स रेट लगाओ, लेकिन सेक्शन कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है ना तो उस पे 20% टैक्स, तो बताइए कंपनी लॉन्ग टर्म पे क्या टैक्स देगा, 30 या 20, 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन ने स्पेशल इनकम बता दिया, बोलिए मैंने क्या बोल दिया अभी, बोलिए 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 बोलिए, सेक्शन ने, नहीं नहीं स्पेशल इनकम बता दिया बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं सेक्शन ने स्पेशल इनकम बता दिया, बोलो इसी को बच्चों की तरह, सेक्शन ने स्पेशल इनकम बता दिया, अरे बोल के तो देखो तुम कितने लाजवाब जगह पहुंच जाओगे, एक बारी बोल के देखो, ये बड़ों वाला छोड़ो एक बारी, और बच्चों की तरह देखो तो वापस मजा आ जाएगा तुम्हें, आज नहीं याद आता तुम्हें बचपन, वही ठीक था, और बचपन में क्या कहते थे, बड़ा हो जाऊं तो बताऊंगा, आज कुछ बता पा रहे हो नहीं, फिर ठीक वही था, बचपन में मन तो कर रहा था ना जल्दी से बड़े हो जाऊं, दिखा देता हूं मैं लोगों को, मैं भी बता सकता हूं बहुत कुछ, बहुत दबाते हो मुझे, आज तुम बड़े हो गए, किसको क्या दिखा रहे हो, कुछ नहीं बस एक दो बच्चे मिल जाते हैं उसे दबा देते हो, इतना ही कर रहे हो, बच्चों की तरह सोचो, क्या मैंने कहा सेक्शन में स्पेशल इनकम डिफाइन है, सेक्शन में स्पेशल इनकम डिफाइन है, उसका टैक्स रेट डिफाइन है। तो इसका यह मतलब हुआ सर कि फाइनेंस एक्ट में जो एसएससी वाइज बताता है टैक्स रेट, वहां नॉर्मल इनकम पे टैक्स रेट लगेगा, करेक्ट, यानी विनर होगा सेक्शन,
विनर होगा सेक्शन, इसका मतलब फाइनेंस एक्ट बताता है, फाइनेंस एक्ट जो बताता है टैक्स रेट, फाइनेंस एक्ट जो टैक्स रेट बताता है, वो नॉर्मल इनकम के लिए एप्लीकेबल होगा। उसी आदमी के स्पेशल इनकम पर सेक्शन ही जीतेगा और वही टैक्स रेट बताएगा। तो टैक्स रेट के दो हिस्से बना लेते हैं। देखिए टैक्स रेट इस तरफ बनाइए, नीचे इस तरफ नीचे ले आइए। एक फाइनेंस एक्ट, फर्स्ट शेड्यूल, और एक इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम बेस्ड टैक्स है और फाइनेंस एक्ट में एसएससी बेस्ड टैक्स है। यानी टैक्स रेट दो जगह फैला हुआ है, एक फाइनेंस एक्ट में, एक इनकम टैक्स एक्ट में, जरा बताइए क्या ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा बदलता है, जो बार बार बदलता है, बताइए क्या ऐसा है, इनकम टैक्स एक्ट या फाइनेंस एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट तो शायद पूरा ना बदले, फाइनेंस एक्ट तो हर साल बदलता है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि एसएससी पर क्या टैक्स लगेगा उसे हम फाइनेंस एक्ट में रखते हैं, जिसे हम हर साल परिवर्तन करने की ताकत रख सकते हैं, जिसको हर साल बदला जा सकता है। लेकिन कुछ इनकम फिक्स कर दिया, उस पर यह टैक्स लगेगा, उसे हमने इनकम टैक्स एक्ट में रखा, बदला उसे भी जा सकता है। लेकिन फाइनेंस एक्ट हर साल पहले कंसीडर होता है कि क्या लगाया जाए टैक्स, और उसके बाद इंपोज होता है, उसके बाद प्रपोजल पास होता है कि यह टैक्स लगना चाहिए। इंडिविजुअल एचईएफ का स्लैब रेट लगता है, एनीवन गेस क्यों? छोड़िए, इंडिविजुअल एचईएफ में 2.5 लाख की छूट है, ये तो समझते हो, इंडिविजुअल एचयूएफ पे 2.5 लाख की छूट है, क्यों नहीं समझे? कंपनी पर 30% फ्लैट है, फर्म पे 30% फ्लैट है, उनको क्यों नहीं 2.5 लाख की छूट है? उनको भी 2.5 लाख छोड़ दो, उसके ऊपर टैक्सेबल कर दो। इंडिविजुअल एचयूएफ पे फ्लैट टैक्स क्यों नहीं है, स्लैब क्यों है? एक काम क्यों नहीं करते, सबको जोड़ के एवरेज कर दो, फ्लैट लगा दो। सोचो, कुछ तो तुक्केबाजी मारो, कुछ तो तुक्का मारो। हाँ तो कंपनी कौन सी हमेशा ज्यादा कमाती है, वो भी कभी ज्यादा कमाती है, कभी कम कमाती है, फंस गए हम यहां पे। अब क्या हो सकता है प्रॉब्लम? जो 2.5 लाख की छूट है वो आपके जीवन के लिए, जब एक्ट बना था तो उन्होंने कसम खाई थी कि अगर कोई भी जिंदा रहने के लिए सिर्फ कमाता है तो उस पर टैक्स लेना पाप है। आप अपनी पूरी फैमिली को आज के महंगाई में 20,000 पर मंथ के हिसाब से तो पाल ही लोगे, ऐसा सरकार मानती है, राउंड फिगर में 2.5 लाख की छूट देती है। अगर इंसान की उम्र बढ़ रही है तो फैमिली बढ़ रहा है, इसलिए वो उम्र के साथ उन्होंने 3 लाख की छूट रखी। 80 साल को तो उन्होंने सलाम किया और 5 लाख की छूट कर दी। कंपनियों में कोई पर्सनल लाइफ नहीं होता, ना फर्म में पर्सनल लाइफ होता है, वहां कहीं भी स्लैब नहीं है, फिक्स रेट है, कोई छूट नहीं है, 2 रुपए कमाओ, 5 रुपए कमाओ, 30% लॉजिक है। अब बताइए क्या महंगाई के हिसाब से स्लैब भी समय समय पर बढ़ जाना चाहिए? यस, महंगाई बढ़ रहा है, आप ही सोचिए, महंगाई बढ़ रही है तो मुझे अपने परिवार को पालने के लिए ज्यादा खर्चे की जरूरत पड़ेगी। तो किसी जमाने में 1 लाख का स्लैब होता था, फिर 1.5 लाख का हुआ, फिर 2 लाख का हुआ, फिर 2.5 लाख का हुआ। अब हर साल जो हम डिमांड करते हैं स्लैब बढ़ा दो, हम किस आधार पर कहते हैं? मजे मजे में थोड़ी कहते हैं स्लैब बढ़ा दो, आप नई सरकार आए हो, स्लैब बढ़ा दो, थोड़ा सा छूट और दे दो, थोड़ा गिफ्ट दे दो। गिफ्ट नहीं, हक है हमारा। आपने उस समय कसम खाया था कि हम टैक्स नहीं लेंगे, आज हम सिर्फ कमा रहे हैं खाने के लिए और आप टैक्स ले रहे हो हमसे, ये तो गलत है। इसलिए बताइए क्या कंपनी फर्म अमीर और गरीब होगा? नहीं, इंसान अमीर और गरीब होगा, इसीलिए उसके अंदर स्लैब डाला गया कि अमीरों से ज्यादा और गरीबों से कम, और बिल्कुल गरीब है तो बिल्कुल टैक्स ना लिया जाए। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है हमारे देश में, हमारे देश में सबसे अच्छा स्ट्रक्चर है। कभी आपने सुना है कि डेवलपिंग कंट्री का टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री का टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? नहीं,
अच्छा छोड़िए, ये बताइए डायरेक्ट टैक्स अच्छा कि इनडायरेक्ट टैक्स अच्छा? पढ़ाई के हिसाब से मत बोलिएगा, देश के लिए। देखिए देखिए देखिए, देश के लिए क्या अच्छा है? देश मतलब कि हमारे लिए, जनता के लिए। डीटी अच्छा है, करेक्ट, जनता के लिए डीटी अच्छा है। रीजन, आप जब इनडायरेक्ट टैक्स इंपोज करते हो तो वो इनडायरेक्टली सब पर लग जाता है। एक रिक्शा चलाने वाला भी इनडायरेक्ट टैक्स दे देता है, ये अत्याचार है या नहीं? अत्याचार है। तो देखिए लॉ कैसे बना हमारे पूरे वर्ल्ड में। जो कंट्री डेवलप्ड है, अमेरिका, वहां इनडायरेक्ट टैक्स चरम सीमा पर होना चाहिए और डायरेक्ट टैक्स बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स को वसूलने में, लगाने में, रिकवरी करने में बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है सरकार का। डायरेक्ट टैक्स को, डायरेक्ट टैक्स के चोरी की संभावना बहुत ज्यादा होती है, तो सरकार हमेशा चाहती है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो कंट्री डेवलप्ड हो गया वहां तो रिक्शा वाला भी पैसा कमा रहा है, लाखों रुपए। डेवलप्ड मतलब क्या होता है? हर कोई अच्छा खासा कमा रहा है, यही तो हुआ डेवलप्ड की परिभाषा। आप कहते हो यहां पे कुछ नहीं कर रहे हो, 5-10 हजार भी नहीं मिल रहा, अमेरिका चले जाओ, वहां तो तुम रिक्शा भी चला लो तो लखपति हो, अरे एक रेडी लगा दो तो भी लखपति हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? वो डेवलप्ड कंट्री है। तो जब कंट्री डेवलप्ड हो जाती है तो सरकार को लगता है कि अब तो हर कोई कमा रहा है, और डायरेक्ट टैक्स को लगाने में, निचोड़ने में बहुत गड़बड़ है, बहुत झंझट है, लोग चोरी भी करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा सेफ है, तो वो इनडायरेक्ट लगाते हैं। जो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, वहां इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया जाता। बताइए हमारा देश आज से 40 साल पहले डेवलपिंग अंडर डेवलप में था, तो बताइए याद करके कि उस जमाने में हमारे पास क्या था? सेल टैक्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स थोड़ी था। जब हमने देखा कि हम अब डेवलप्ड होने ही जा रहे हैं, हमने सर्विस टैक्स इंपोज कर दिया। सर्विस टैक्स से रिकवरी बढ़ी, तो डायरेक्ट टैक्स में स्लैब्स हमने बढ़ा दिए, डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे छूट दे दिए, डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारी एग्जम्पशंस दे दी। अच्छा ये बिजनेस कर रहे हो, जाओ टैक्स मत देना, अच्छा ऐसा कर रहे हो, जाओ टैक्स मत देना। यानी टैक्स इंसेंटिव्स हम बढ़ाते चले गए डायरेक्ट में, यानी डायरेक्ट हम कम करते चले गए और इनडायरेक्ट बढ़ाते चले गए। और आज की डेट में जीएसटी में उन्होंने तो हद पार कर दी, इनडायरेक्ट टैक्स को एकदम चरम सीमा पे पहुंचा दिया। इनडायरेक्ट टैक्स वहीं पर 100% लग जाना चाहिए जो कंट्री पूरी तरह डेवलप हो गई है। तो हमारे देश में ये जो झगड़ा चल रहा था कि जीएसटी नहीं लाया जाए, इसके पीछे ये एक बड़ा कारण था कि कौन कहता है कि हमारा देश अभी डेवलप्ड कंट्री है? डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत गरीब भी हैं और बहुत अमीर भी हैं, तो ये डेवलप्ड की परिभाषा में नहीं आता। यानी ज्यादा वेरिएशन अगर इनकम की है तो वहां डायरेक्ट टैक्स को इंपोज होना चाहिए ज्यादा, इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए कम। ये स्ट्रक्चर बनता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पीछे। कुछ समझ आया? वापस इस मैटर पे आए तो बताइए, हमारे देश में मैंने कहा कि स्लैब रेट इंडिविजुअल को क्यों दिया जाता है, इसका लॉजिक दे रहा था। कंपनी है, फॉर्म है, इन सबके टैक्स रेट एवरी ईयर रिव्यू होते हैं। एसएससी का टैक्स रेट एवरी ईयर रिव्यू होता है, तो बताइए एसएससी का टैक्स रेट को कहां लिख कर देना चाहिए? फाइनेंस सेक्टर। इनकम हमने कह दिया भाई साहब लॉन्ग टर्म है तो यही टैक्स, लॉटरी है तो यही टैक्स, ब्लैक मनी है तो यही टैक्स, इसके लिए हमने दे दिया इनकम वाइज। तो बताइए अगर कभी रास्ते में आपको मिल जाए कोई सेक्शन, कोई सेक्शन सुनिएगा, रास्ते में कोई सेक्शन मिल जाए ये कहता हुआ कि भाई साहब इस इनकम पे ये टैक्स है, तो आप क्या कहेंगे कि ये स्पेशल इनकम है या नॉर्मल इनकम? स्पेशल इनकम या नॉर्मल इनकम? स्पेशल इनकम बोलिएगा। फाइनेंस एक्ट जो रेट देता है वो रेट कौन सी इनकम पे लगाते हो? वेरी गुड। तो फाइनेंस एक्ट जो रेट देता है वो कौन सी इनकम पे लगाते हो? नॉर्मल इनकम पर। और जो सेक्शन रेट देता है रेट, वो कौन सी इनकम पे लगाते हो? स्पेशल इनकम पे। मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? अब जल्दी से आओ, यहां से वापस आते हैं। बताओ इनकम टैक्स बराबर टोटल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स, टोटल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट। टैक्स रेट हमें बताए जी। अच्छा कैसे करोगे? सर ये जो टोटल इनकम है ना, हाँ सर, इसको तो दो हिस्सों में बांट देंगे, जो स्पेशल इनकम होगा उसको यहां से उठाएंगे, और जो सर नॉर्मल इनकम होगा ना उसको इस रेट से टैक्स लगाएंगे। आंसर आ गया हमारा टैक्स, टैक्स, इनकम टैक्स। तो चलिए इनकम टैक्स बराबर हो गया टोटल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट, टोटल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट। बताओ कौन सा टैक्स रेट? दो दो टैक्स रेट है, कौन सा लगाओगे? दो दो टैक्स रेट है, कौन सा लगाओगे? सर टोटल इनकम में हम दो हिस्से कर देंगे, सर हम टोटल इनकम में दो हिस्से कर देंगे। स्पेशल इनकम है क्या? हाँ, उस पर हम सेक्शन वाइज टैक्स लगाएंगे।
और जो सर नॉर्मल इनकम बचेगा ना उस पर सर फाइनेंस एक्ट से टैक्स लगाएंगे, इंडिविजुअल हो तो स्लैब, कंपनी हो तो फ्लैट, इस तरीके से। यहाँ तक पक्का आ गया समझ? ये स्पेशल इनकम नॉर्मल इनकम मैं लिखवाऊंगा, अभी घबराइए नहीं। हाँ, शेड्यूल क्या होता है? एक्ट के साथ अनेक्सर्स होते हैं जो एक्ट के प्रोविजंस को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट, उसको हम शेड्यूल्स कहते हैं। तो शेड्यूल वन, शेड्यूल टू, शेड्यूल थ्री, ऐसे कई शेड्यूल हैं और ये रेफरेंस में भी आते हैं कि भाई साहब 11वें शेड्यूल में जो लिखा है ना वो वाला अगर प्रोडक्ट बनाओगे तो ये फायदा नहीं देंगे आपको, तो वो अलग से लिखते हैं एनेक्सर में ताकि एक्ट फैला हुआ ना दिखे। तो फाइनेंस एक्ट में, फाइनेंस एक्ट जानते हो ना कैसे बनता है? फाइनेंस बिल से। अच्छा कोई बात नहीं, फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस बिल होता है ना, वो जैसे ही पास होता है तो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस बिल कहाँ से आता है? बजट से। नहीं समझे? अच्छा फिल्म को शुरू से देखते हैं, बैक फ्लैशबैक छोड़ देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर आया, बैग लेकर आया, उसके अंदर क्या है? बजट। बजट नहीं होता वैसे, उनके अंदर होता है फाइनेंस बिल। बजट पहले ही बन जाता है, बजट में पहले बनाते हैं हम खर्चा बजट, पहले हम खर्चा बजट बनाते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा करेंगे। जब खर्चा में दिख जाता है कि 200 रुपये का खर्चा करना है तो 200 रुपये के खर्चे को कहाँ से रिकवर कर देंगे? इस बार हमें डायरेक्ट टैक्स से इतना मिल जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से इतना मिल जाएगा। अच्छा क्या क्या प्रपोजल है आपका चेंजेस में, तो वो फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल जब सामने रखते हैं और वो पास हो जाता है तो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस के अमेंडमेंट होते हैं, गेट इट ना? फाइनेंस एक्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों के अमेंडमेंट होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है, जो सेंट्रल लेवी करता है, करेक्ट है? अच्छा चलिए देखें जरा कितना समझ आया, यहाँ तक आपने नोट कर लिया तो ये बताइए, मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, इनकम टैक्स बराबर टैक्स रेट पर बहुत चर्चा कर लिया, हम दोबारा वापस आएंगे उस चर्चे पर। टोटल इनकम मतलब कहाँ लिखा हुआ है? लो 245 में क्या लिखा है देखो, कुछ समझ नहीं आएगा। 245 में क्या लिखा हुआ है देखो, कुछ समझ नहीं आएगा। लिखो, अभी तुम्हें बहुत फैलाऊंगा, बता देता हूँ बेटा, आज हम बेसिक पकड़ रहे हैं, आपके लिए बोरिंग हो या जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बेसिक करा के ही आगे बढ़ूंगा। और बेसिक बोर हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपने इसको समझा नहीं, समझोगे इतना स्वाद है, इतना रस है कि आपको बता नहीं सकता, आप टैक्स वगैरह भूल जाओगे, बेसिक में क्या स्वाद है। तुम अभी देखना, मैं फैला दूंगा पहले सब कुछ, फिर समेटूंगा भी कि भाई साहब अब हमारे पास क्या है निचोड़, मतलब क्रक्स क्या आप घर लेकर जा रहे हो, ठीक है? तो अभी फैल रहा है, घबराना नहीं। 245 क्या कहता है, क्या कहता है? टोटल इनकम किसे कहते हैं? देखो क्या कहता है, ये कहता है टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 5 कॉमा कंप्यूटेड इन द मैनर लेट डाउन इन दिस एक्ट। बेटा अगर तुम्हारे हाथ टोटल इनकम लग गया तो बात खत्म हो जाती है, फिर पूरा इनकम टैक्स खत्म हो गया। जिस दिन तुमने कह दिया कि सर हम टोटल इनकम निकाल लेंगे, उस दिन पढ़ाना बंद, क्योंकि टोटल इनकम निकाल लोगे टैक्स में सिखा चुका हूँ, चैप्टर क्लोज करो, पूरा डायरेक्ट टैक्स खत्म। ये टोटल इनकम निकालोगे कैसे तुम? ये कह रहा है टोटल इनकम का मतलब हुआ बेटा वो जो सेक्शन 5 में है। मैंने कहा अच्छा तो सेक्शन 5 में क्या है वो उससे पूछो, मुझे नहीं मालूम, मैं तो एक सिंपल सा गाइड कर रहा हूँ, सेक्शन 5 में जो लिखा है इनकम उसको उठाना है, लेकिन बेटा उसको रॉ नहीं उठा लेना है, उसको उठाकर जो मैनर बताया गया वैसे कैलकुलेट कर मेरे पास लाइए, मैं कहलाता हूँ टोटल इनकम। टोटल इनकम कहता है कि सेक्शन 5 के पास जाइए, वो जो सेक्शन आपको हाथ में दे उसको लीजिए, फिर आप जाइए प्रोसीजर में, जो वो बताएगा कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं उसको वहां पर मशीन में डालिए, प्रोसेस कीजिए और फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास ले आइएगा, ये है टोटल इनकम।
तो यानी टोटल इनकम का पूरा नींव कहाँ पड़ा हुआ है? सेक्शन 5 में, वहाँ जाना पड़ेगा। याद है कुछ सेक्शन 5? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। सर हमें नहीं याद है, हमें तो पता होगा ना। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। पहले तो मान लीजिए हाँ हाँ आपको याद है, और सोचिए सेक्शन 5 कहाँ सुना हुआ है। सेक्शन 5 नहीं याद आ रहा है। अच्छा, सेक्शन 5 सेक्शन 6 के पास होगा। सेक्शन 6 क्या था भाई? सेक्शन 6 बोलते रहिए, देखिए याद आ जाएगा। देखिए सेक्शन 6 7 के पास होगा। चलिए आप कंफ्यूज हो गए, 8, 9 सेक्शन 6 कोई बात नहीं, मैं नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। सेक्शन सिक्स आप घबरा जाते हो, फाइनल की क्लास है भाई, अब तो कुछ नहीं होगा। सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस। हाँ सर, 6-1 इंडिविजुअल 6, अरे हाँ सर, सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस, अरे हाँ सेक्शन 6। तो सर 5 क्या था? क्या तुमने ऐसा कभी पढ़ा था कि बेटा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेजिडेंट, इनकम अर्न इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इट इज टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी बट नॉन रेजिडेंट फॉर नॉट टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट, और फिर अदर इनकम ओनली ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल। कुछ ऐसा याद आ रहा है? नहीं, आपके पास बुक है सामने, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए। आपको एक बात तो दिखाया ही नहीं आपके बुक में, मिला रेजिडेंशियल स्टेटस? अच्छा, तुमने ये गौर किया रेजिडेंशियल स्टेटस सबसे छोटा चैप्टर आपका इंटर का? यहाँ कितना बड़ा पेज है देखना जरा, ओए होए वहीं से देखो ना। हाँ ये ठीक किया इसने, हाँ वहीं देख, वहीं वैसे देख, पलट देख, खत्म हो तो बताना। ओए होए, सेक्शन 9 कितना बड़ा है? 9 इनकम डीम टू बी अर्न। भाई साहब ये तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फैला हुआ है ना काफी भाई साहब। जहां इंटर में तुम छोड़ते थे ना, वहां से ये फाइनल शुरू होगा रेजिडेंशियल, और यहीं से इंटरनेशनल टैक्सेशन लेकर जाऊंगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन यहीं से उठेगा। अभी देखिए, ये आपने पढ़ा हुआ सा आपको लगाना चाहिए। ये देखिए, ये सेक्शन 5 है, ये सेक्शन 5 है। अब चलिए, 245 कहता है भाई साहब सेक्शन 5 जो बताएगा उस इनकम को उठा लेना, मशीन में डाल लेना, मशीन से फाइनल प्रोडक्ट निकालना, मैं टोटल इनकम। मैंने कहा मशीन क्या है? अरे मशीन क्या है नहीं समझे, ऐसा समझो पहले सेक्शन 5 में जाओ। अच्छा हम चले गए, तो सेक्शन 5 से पूछा भाई साहब कौन सी इनकम उठानी है। सेक्शन 5 ने कहा ऐसे नहीं होता भाई साहब, तुम कौन हो वो बताओ पहले। मैं कौन हूँ? मैं हाँ, तुम ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी तुम एनआर, तुम कौन हो? तुमने कितनी इनकम कमाई है पूरे साल में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तुम आदमी कौन हो ये बताओ। मैं जी नॉन रेजिडेंट हूँ। अच्छा तो सुनो, अगर तुम नॉन रेजिडेंट हो तो जितनी इनकम तुम्हारी आउटसाइड इंडिया की है उसे मत टच करना, उसे मत टच करना। जो इंडिया की इनकम है जल्दी बताओ कोई है? हाँ जी एक मकान है, उस मकान से जी किराया आता है, किराया आता है जी 5 लाख रुपए, उठा लो 5 लाख, उठा लो चलो निकलो। मैंने कहा फिर ये 5 लाख लेकर आ जाऊँ मालिक के पास, पागल है क्या, मशीन में नहीं डालेगा 5 लाख यहाँ लेकर आ रहा है। अगर तू 5 यहाँ लेकर आएगा तो ये मालिक क्या करेगा, सीधा टैक्स लगा देगा। मैंने तेरे हाथ में इनकम पकड़ाई कि 5 लाख सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग तेरी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स है, अब इसे मालिक पर मत लेकर जाना, पहले मशीन में डाल। अच्छा जी मशीन में लेकर गए, वहां 5 मशीन दिखा, तो कौन सी मशीन में डालूं? हर मशीन के आगे लिखा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन वाली इनकम। नहीं 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 नहीं, मालिक और मकान, हाँ जी इसमें डाल दो। डाल दिया, अब मशीन ने प्रोसेस किया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू,
स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम फ्रॉम सेल हाउस प्रॉपर्टी। जैसे ही उस मशीन ने निकाला, हमने पकड़ा और सीधा मालिक के पास दौड़े। उन्होंने कहा भाई रुक जाओ, एक बड़ी मशीन और है, उसमें से ये पांचों मशीन का बाई प्रोडक्ट बड़ी मशीन में जाता है, फिर वहां से जो निकलेगा लेकर आना मालिक के पास। अच्छा, तो यानी सेक्शन 5 हमें इनकम पकड़ाएगा, रॉ को लेकर जाएंगे, 5 में से किसी भी एक मशीन में डाल देंगे। अगर 2-4 इनकम है तो अलग अलग मशीनों में डाल देंगे। फिर इन मशीन से जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं, नहीं प्रोसेस निकलेगा, तुम ज़्यादा जानोगे, मुझे नहीं पता। तो प्रोसेस निकलेगा, उस प्रोडक्ट को एक बड़ी मशीन में डालना, उस मशीन का नाम है GTI TTI मशीन। अच्छा, तो यानी कि अगर 5 लाख को हम एक मशीन में डालते हैं तो वो म्यूनिसिपल टैक्स लेस करा के, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करा के, इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करा के, बचा खुचा हाथ में पकड़ाता है 2.5 लाख, मान लो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, चलो 3 लाख रुपए पकड़ाता है वो। फिर उस 3 लाख को हम बड़ी मशीन में डालते हैं, वो कहता है भाई साहब 80C से 80U का डिडक्शन, 80C से 80U का डिडक्शन, और तुम्हें देख के देता है। अच्छा तुम NR हो, अच्छा तब तो 80DDB नहीं मिलेगा, DD नहीं मिलेगा, U नहीं मिलेगा, ये वाले मिलेंगे, देख लो इसमें से। तुमने उसमें से चुना और उसमें से डिडक्शन लिया, अब फाइनली तुम्हारे पास आता है 2,70,000, वो लेकर आते हो मालिक के पास कि सर ये 2,70,000 ले आए, यहाँ कौन बैठा है, टोटल इनकम 245। अब तुमने 2,90,000 लिया, अब ये और दो लोग मिलेंगे, टोटल इनकम और टैक्स रेट मिलेंगे, तब बनेगा टैक्स, इनकम टैक्स, और तुम्हारा पूरा डायरेक्ट टैक्स खत्म हो गया। कोई भी चीज अगर तुम इस बीच ना पढ़ो तो समझना बेकार है, मतलब नहीं समझे। अगर मैं तुम्हें पढ़ाता हूं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, वो इनके बीच में, इस प्रोसेस के बीच में ना आया, अगर तुम्हारे हिसाब से ये अलग चीज पढ़ रहे हो तो बेकार पढ़ा तुमने फिर। ये इसी में पूरा डायरेक्ट टैक्स फिक्स है, सेटलमेंट कमीशन ले लो या जो मर्जी ले लो, सब इसी में आएगा। कैसे आएगा वो देखना, गेट इट पॉइंट। तो टोटल इनकम में मल्टीप्लाई क्या करना, टैक्स रेट, और टोटल इनकम कहां से आना है, 2,45 क्या कहेगा भाई साहब, सेक्शन 5 आपको देगा क्या, रॉ। अच्छा तुम ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो सेक्शन 5 के पास गए तुम, तुमने कहा भाई साहब मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूं, अब देखकर बताओ। अच्छा अब ये 8-10 इनकम पकड़ा दी, ले जा इसको, अब आप पे 10 इनकम आ गई, 10। सेक्शन 5 को कोई मतलब नहीं इससे कि तुम्हारी सैलरी है कि हाउस प्रॉपर्टी की PGBP, वो कहता है ये पकड़ लो रॉ 10 इनकम, निकलो यहां से। अब तुम इसमें लिखा हुआ है ना, ये तुम अभी पढ़ रहे थे, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, तुमने खुद लिखा है इसे कि टोटल इनकम रेफर टू इन सेक्शन 5 कॉमा कंप्यूटेड इन द मैनर लेट डाउन इन दिस एक्ट। वो मैनर जो लेट डाउन है ना, वो मशीन से, तो तुम लेकर जाते हो और वो मशीन में, जानते हो सबसे पहले जो दरवाजा बना हुआ है फैक्ट्री का गेट, उसका नाम है सेक्शन 14। फैक्ट्री जो है ना, फैक्ट्री जिसमें 5 मशीन है, एक बड़ी मशीन है, उसका नाम है सेक्शन 14। सेक्शन 14 आपने कहा लो जी 2,45 पढ़ रहे थे, अब ये 14 कहां से आ गया। वो कहता है भाई साहब सुनिए, मैं ही तो हूं, पूरे मैनर लेट डाउन का मतलब ही है सेक्शन 14, फैक्ट्री का नाम ही सेक्शन 14 है। उसने कहा अच्छा तो तुम क्या बताते हो, वैसे 15 तो हमें पता है कि सैलरी बताता है, हाँ हम उसके पहले हैं, ये जो इतना है ना तुम्हारे हाथों में 15-20 इनकम, इसको कौन सी मशीन में डालोगे, मशीन कैसे प्रोसेस चलेगा, फिर बड़ी मशीन में कैसे जाएगा, फिर बड़ी मशीन से क्या निकलेगा, वो सेक्शन 14 बताएगा। सेक्शन 14 क्लासीफाई करता है इनकम को, किस मशीन में जाएगा, सेक्शन 14 इनकम को क्लासीफाई करता है, सेक्शन 14 इनकम को क्लासीफाई करता है, सेक्शन 14 इनकम को क्लासीफाई करता है, इनकम को सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज क्लासीफाई करता है। और इस क्लासिफिकेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, बच्चों का चीज नहीं है क्लासिफिकेशन। वो कहता है चलो चलो बहुत होशियार हो, बताओ ये ब्याज है, ब्याज कहां जाएगा। हमने कहा लो जी ब्याज अदर सोर्सेस, अच्छा फिर ये लो, दोबारा तैयार हो गया। अरे ब्याज और कहां जा सकता है, सैलरी तो नहीं बनेगा, हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं बनेगा, PGBP बन सकता है। हाँ अब आए लाइन पे, PGBP की अदर सोर्सेस, इनमें टकराव होगा, झगड़े होंगे, और सही नहीं चुना तो नंबर गए। तो सेक्शन 14 क्लासीफाई करता है, ठीक है। अच्छा क्लासीफाई कर देगा तो मशीन आ जाएगी, कितनी मशीन है, 5। पहली मशीन 15, दूसरी मशीन 22,
तीसरी मशीन 28, चौथी मशीन 45, 45, और पांचवी मशीन 56। जब आपका प्रोडक्ट मशीन से निकलेगा तो नए मशीन में जाने के पहले रास्ते में उसके पॉलिशिंग होनी है, उसके ऊपर पॉलिश होगा, लपेटा जाएगा, क्लबिंग इनकम, क्लबिंग प्रोविजन, सेट ऑफ प्रोविजन, ये दो रास्ते में लपेटे जाते हैं, क्लबिंग सेट ऑफ, तब जाकर डाला जाता है बड़ी मशीन में। यानी क्लबिंग सेट ऑफ जोड़ते समय ही होता है और GTI से पहले होता है, और ग्रॉस टोटल इनकम में जब ये सब चीजें डाल दी जाती है तो फाइनली जो निकलता है वो होता है टोटल टैक्सेबल इनकम डिडक्शंस के बाद, और फिर वो मेरे पास आप लेकर आते हो, फिर मैं उसको मैं क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, मैं कौन हूं? टोटल इनकम बताओ, टोटल इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट कर दूंगा या टोटल इनकम भी पहले आप दो हिस्सों में बटेगा? एक स्पेशल, एक नॉर्मल। स्पेशल को सेक्शन में लेकर जाएंगे और नॉर्मल को फाइनेंस एक्ट में लेके जाएंगे, और फिर मिला मुलू के जो फाइनल टैक्स बनेगा, भाई साहब ये हमारा काम खत्म हुआ। नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये हम 4-5 बार इसको घुमाएंगे शुरू से, फिर से आप आ गए, देखना अभी कुछ नया चीज सीखोगे। आप आ गए, आपने कहा जी हम टैक्स जानना चाहते हैं, हमारा टैक्स कितना है, हमें डालो मशीन में, सब देखते हैं हम क्या होगा हमारे साथ, हम टैक्स जानना चाहते हैं टैक्स। तो हम पहले आपसे कहेंगे कि भाई साहब चाहे आप कंपनी हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप फर्म हो, चाहे आप AOP हो, चाहे आप कोई भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 245 हम कह रहे हैं आपका सिर्फ पर्सन होना जरूरी है, पर्सन आपका पर्सन होना जरूरी है, क्योंकि ये 245 जहां से आया है वहां पर लिखा हुआ था पर्सन, 245 यहीं से तो आया है, तो पर्सन होना जरूरी है। ठीक है, आप पर्सन हो, आपने कहा हाँ जी हम पर्सन है। अच्छा, हाथ में क्या है आपके, गौर किया जाए आपके हाथ में क्या है, हाथ में, आपने कहा ये हाथ में पूरे साल हमने जो पैसे इकट्ठे किए, पूरे साल जो पैसे इकट्ठे किए वो है, पूरा कैश और बैंक बैलेंस है, जो पैसे इकट्ठे किए वो है। हाँ, गौर किया जाए, पूरे पैसे जो साल में इकट्ठे किए ना वो है। मैंने कहा आप ऐसा कीजिए, मुझे ज्यादा समझ नहीं है, सेक्शन 5 के पास जाइए वही बता देगा, सेक्शन 5 के पास जाइए वही बता देगा, समझ गए। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है सेक्शन 5, सेक्शन 245 क्या कह रहा है, टोटल इनकम, टोटल अमाउंट ऑफ, क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ, ना 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 ना, क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम। बताइए आपके हाथ में जो आपने पैसे इकट्ठे किए उसमें 20 आइटम है, 20 आइटम आपके हाथ में जो टोटल पैसे इकट्ठे किए उसमें 20 आइटम है, उस 20 में से 17 आइटम इनकम है, 3 आइटम इनकम ही नहीं है, बताइए उसे मैं सेक्शन 5 में क्यों लेकर जाऊंगा। कह रहे इनकम रेफर टू इन सेक्शन 5, यानी सेक्शन 5 क्या रेफर करेगा, इनकम, वो कहेगा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड अदर इनकम, लेकिन हर बार वो बोलेगा इनकम इनकम इनकम, यू मस्ट नो व्हाट इज इनकम। ना ना, हाथ में जो इकट्ठे किए वो इनकम थोड़ी है, आपने कहा तो इनकम तो हम भी जान लेंगे, उसके लिए आपकी थोड़ी जरूरत है। अच्छा, इनकम जान लोगे, हाँ तो बताओ, तो तुम्हारे हाथ में सरकार ने सब्सिडी पकड़ा दी, ये इनकम है। सर अब सीधा सीधा बताओ ना, हम जॉब करते हैं, मकान का किराया आता है, एक बिजनेस कर रहे हैं, एक एसेट बेच दिया, ऐसा ऐसा बोलो ना सर, ऐसा ऐसा, ये फालतू की बात क्यों बोल रहे हो। अच्छा ऐसा बोलो, चलो तो ऐसा बोलता हूं तुम्हारे पास, ऐसा ही बोल के देखता हूं कितने होशियार हो। तुम्हारे पास कार है, कार रोड एक्सीडेंट में कार जल गया, नष्ट हो गया, आप बच गए, चिंता मत करो, महंगी कार थी, 17 लाख रुपए इंश्योरेंस मिले, बताओ ये इनकम है कि नहीं। सर वो बताओ बताओ सर, इंश्योरेंस का पैसा मिलता है तो उसे तो, बोलो बोलो, कंफ्यूज्ड, करेक्ट, आप ऐसे मत एम्बेरस फील नहीं करो, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं कि मैं इसका महत्व समझाना चाह रहा हूं, मतलब आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं पता, आप ऐसा मत समझना,
मैं क्या कर रहा हूँ, इसका महत्व तो समझाना चाह रहा हूँ कि क्या बड़ी चीज़ है, ये मामूली बात नहीं है कि वॉट इज़ द इनकम, वॉट इज़ द इनकम, ये मामूली बात थोड़ी है। इनकम किसे कहेंगे ये ना जाना, तो इस मशीन में ना जाने क्या क्या डाल दोगे। अब मशीन में सब्सिडी डाल दोगे, अब सब्सिडी किसी ना किसी हेड में चला जाएगा और वहां से प्रोसेस होकर बाहर आ जाएगा और उस पर टैक्स लग गया, गलत हो गया जी। तो सब्सिडी इनकम है कि नहीं पहले वो पता करो। नहीं बेटा है, इनकम है और नहीं भी है, दो आंसर है, दो आंसर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह सब्सिडी को छोड़ो, उसी तरह देखो, बहुत एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। आप बिजनेसमैन हो, आपने आपसे कोई किसी ने सामान बुक किया, 10 लाख रुपए का स्टॉक बुक किया। अब वो जो स्टॉक आपसे बुक किया वो लेने नहीं आया, आपने ये 10 लाख फॉरफिट कर लिए। अब ये आपकी इनकम है कि नहीं? नहीं, व्यापार से इनकम थोड़ी आ रहा है। व्यापार तो क्या था, व्यापार आपका सामान बेचने का, फॉरफिट करने का व्यापार थोड़ी था, सोचिए सोचिए। लेकिन इसे इनकम माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, ये कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, नहीं तो झगड़े हो जाएंगे। नहीं नहीं अभी तो नहीं बता, बताइए क्या 45 सेक्शन 14 बताएगा। अच्छा नहीं, सेक्शन 14 से मैंने पूछा कि भाई तू बता देगा क्या, कह रहा देखो भाई हमें यह बताया गया है कि तुम अगर इनकम लेके आओगे ना, इनकम लेके आओगे ना तो हम डाल देंगे किसी मशीन में, बाकी प्रोसेस हो जाएगा। भैया हम इतने ही जानते हैं, इनकम डाल देंगे, लेकिन भाई तुम हाथ में जो लाओगे हम उसे ही डाल देंगे। इनकम लाना, इनकम मेरे पास जब तुम आए थे तो हाथ में तुम्हारे पास जो इन जो अमाउंट इकट्ठे किए ना पैसे, वो थे 20 आइटम। अब मुझे वहीं पर तय करना पड़ेगा इनकम क्या है और क्या नहीं है। तो ये सर कैसे तय होगा बता दो ना जल्दी से, क्यों ड्रामा कर रहे हो, ये यहां बताया हुआ है। पता है जब मैंने 224 खोला तो मेरे दिमाग में क्या आया, 224 में लिखा हुआ था अगर आप जॉब से कमाते हो तो, मैंने कहा वो तो सैलरी है। हाँ, अगर आप मकान का किराया, वो तो हाउस प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर आप बिजनेस से कमाते हो तो, अगर आपको सब्सिडी मिला है तो, मैंने कहा भाई वो तो फैक्ट्री के अंदर वाली चीज़ तुम बता रहे हो। कह रहा भाई साहब फैक्ट्री में एक चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो पहले से मैं ना बताऊँ, पहले मैं बताऊंगा तब वो चीज़ें फैक्ट्री में जाएगी, मेरे बगैर तो तुम इस इनकम टैक्स को शुरू ही नहीं कर सकते, और मेरे तो रूप ही निराले। कई बच्चों ने मुझे पढ़ाया बिना समझे हुए, अभी उनसे पूछो उनको याद आ जाएगा कि उन्होंने पढ़ाया मुझे। क्यों बच्चों, 224 पढ़ाया तुमने, हमें याद नहीं है। अच्छा बेटा क्या ये याद है कि एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रोविडेंट फंड में टाइमली जमा नहीं किया तो 224-10 में इनकम बना देंगे। कुछ भी याद, हल्का फुल्का एकदम पुरानी धुंधली याद है। अच्छा पीजीबीपी पहले आपने ऐसे किया हुआ था है ना, तो 224-10 बताता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई से जो पैसे लिए वो टाइम पर नहीं जमा कराया तो एम्प्लॉयर की पीजीबीपी इनकम है, सजा है, सजा 224-10 सजा है। सेक्शन अभी तक मैंने एक दो ही बोले हैं रटने, तो ये सब सिर्फ सुन सुन के बुला देना है, रटना नहीं। 224-10 कहता है कि अगर एम्प्लॉई से आपने कॉन्ट्रीब्यूशन लिया उसके भरोसे पर कि आप जमा कर देंगे, टाइमली जमा नहीं किया, किया लेट से जमा किया, आपकी इनकम बना देंगे इनकम। तो 224-10 सबसे बड़ा मुद्दा होता है पूरे एक्ट का, सबसे बड़ा मुद्दा। इनकम है तभी तो टैक्स है, और इनकम किसे कहेंगे 224 बताएगा। यानी कि सर शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी क्या, अब सही समझे। आपके हाथ में जितने आइटम हैं पहले जाओ 224 के पास। अच्छा सर आपसे भी पहले? हाँ मेरे से भी पहले 224 पे जाओ, फिर 224 से कहोगे भाई साहब इसमें इनकम कौन कौन सी है ये बता दो। इनकम कौन कौन सी है? इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया नहीं, इनकम टैक्स्ड इन इंडिया नहीं, इनकम कौन सी है बताओ। इनकम तो है लेकिन आप सेक्शन 5 के पास जब गए तो उसने कहा भाई इसे साइड कर दे, 224 ने तो कहा था कि ये इनकम है। अबे तो मैं अभी तो कह रहा हूं इनकम है बट टैक्सेबल इन इंडिया नहीं है, तू एनआर है ना, हाँ ये विदेश में कमाया ना, हाँ तो फेंक इसको, 224 ने तो कहा था इनकम है। अबे तो इनकम तो मैं भी कह रहा हूं है लेकिन इनकम चार्जेबल टू टैक्स होना चाहिए ना, इनकम तो मैं भी बोल रहा हूं। यानी 224 ये नहीं बताता
विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स, ऐसा नहीं बताता, वो कहता है इनकम हम कहेंगे किसको। इसका मतलब कुछ चीजों को तो इनकम ही नहीं कहेंगे। आप जरा सोचो, आपकी बात करते हैं, गिफ्ट इनकम होनी चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से, मैं देखूं आपकी बुद्धि कितनी काम करती है। देखिए 2 से 3 क्लास लगेगा आपके पूरी सोच को मुझे बदलने में, फिर आप फाइनल लेवल पे सोचने लगोगे। अभी क्या होगा कि पुरानी जो यादें हैं ना वो आपको तंग करेगी कि बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे, तो ये आपका होगा नहीं। मैं चाहता हूं आपका अपना हो, अपना। जैसे आपसे मैंने सोचो कि आपने कुछ नहीं, वो लड़का कह रहा है ना मैं सब कुछ भूल गया, चलो उसी को पकड़ते हैं, बता भाई तुझे एक गिफ्ट मिला वो इनकम है कि नहीं, होनी चाहिए कि नहीं तेरे हिसाब से? नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि आप भूल चुके हो ना, तो आप सही जवाब दोगे। गिफ्ट का है इनकम होनी चाहिए भैया। अगर मुझे किसी ने प्रेम पूर्वक गिफ्ट दिया है तो इनकम थोड़ी है, कमाया थोड़ी है हमने, कैसी बात कर रहे हैं? लॉजिकल है? बोलिए। आप जानते हैं कि आज इनकम गिफ्ट टैक्सेबल है, वो अलग कर देते हैं, गिफ्ट इनकम नहीं होनी चाहिए? नहीं। जब गवर्नमेंट को गिफ्ट टैक्सेबल करना था अदर सोर्सेज वाली मशीन में, अदर सोर्सेज वाली मशीन, आखिरी मशीन सेक्शन 56, तो क्या 56 में लिखने से पहले उनको 224 में यह डिफाइन करना पड़ेगा? यस। क्योंकि अगर सोचो किसी बेवकूफ सरकार ने 224 को अमेंड नहीं किया, एक नई इनकम उनको लेकर आनी थी, एडवांस मनी फॉरफिटेड विल बी अदर सोर्सेज फ्रॉम 1/4/2014, यह नया नियम आ गया 1/4/2014 से, अगर एडवांस मनी आपने कैपिटल एसेट पर फॉरफिट किया तो वो अदर सोर्सेज होगा। पहले कैपिटल गेन में पढ़ते थे आप, अब अदर सोर्सेज होगा। सोचिए, अब ये इन्होंने डायरेक्ट अगर लिख दिया अदर सोर्सेज में सेक्शन 56 वाली मशीन में और 224 अमेंड नहीं किया, लो जी खराब हो गया, फिर ये टैक्सेबल ही नहीं हो पाएगा। अबे तो मशीन में जाने से पहले तो 224 ही काट देगा उसको। क्या है हाथ में क्या आपके? जी एडवांस मनी फॉरफिटेड है, हमारे हिसाब से तो कहीं नहीं आ रहा, हटाइए, तो वहीं से फेंक जाएगा, तो मशीन में जाएगा ही नहीं। यानी 224 का महत्व सोचिए। तो गिफ्ट जब सरकार को टैक्सेबल करना था तो 56 में लिखा, 56 में नहीं लिखेंगे तो मशीन में। अब इनकम लेकर गए, सोचो जरा कैसा लगेगा, 224 ने कहा इनकम है, 224 ने कहा गिफ्ट नॉन रिलेटिव से 50,000 के ऊपर, गिफ्ट नॉन रिलेटिव से 50,000 से ऊपर इनकम है। अब 224 ने आपको भेज दिया कहां? सेक्शन 5 के पास। सेक्शन 5 ने कहा ये गिफ्ट आपने कहां रिसीव किया है? विदेश में। अच्छा आप कौन है? एना, फेंक दो फेंक दो। नहीं नहीं मैं रेजिडेंट हूं, ये गिफ्ट इंडिया में रिसीव किया है। अच्छा ठीक है ठीक है, लेके जाइए लेके जाइए। अब आप ये गिफ्ट लेकर गए सेक्शन 14 के पास। अब सेक्शन 14 कहता है कि भाई साहब रुक जाओ, मशीन कौन सी मशीन? अबे किसी मशीन में नहीं डलेगा ये। अब बताइए ऐसी कोई इनकम आपके हाथ में आ गई जो किसी मशीन में ही नहीं डलेगा तो करेंगे क्या? कुछ नहीं, फेंक दीजिए। बात समझे? बात समझ आ रही है? तो जैसे 224 महत्वपूर्ण है वैसे ही 14 भी महत्वपूर्ण है। अगर 224 ने इनकम बना दिया लेकिन 14 ने क्लासिफाई नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा उसका। 224 ने इनकम बना दी, 224 ने इनकम बना दी लेकिन वो क्लासिफाई नहीं कर पाया तो उसका कुछ नहीं हो सकता। समझे मेरी बात? नहीं नहीं समझाता हूं, कहानी समझाने का। चलिए 224 से बात करते हैं। 224, हाँ भाई क्या कहते हो? 224 ने कहा कि सर ऐसा है, अगर आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया है ना सर, तो वो आपकी इनकम है। ठीक है जी, थैंक यू। सेक्शन 5, ये कैपिटल एसेट आप कौन है? मैं एनआर हूं। बोल, कैपिटल एसेट अगर इंडिया में सिचुएटेड है ना सर तो ये आपकी इनकम है, या आपने बाहर में सिचुएटेड है बट पैसा इंडिया में रिसीव किया है ना सर तो टैक्सेबल है। हाँ जी इंडिया में रिसीव किया, टैक्सेबल है, लेके जाइए आप। अब 14 नंबर फैक्ट्री पे पहुंचिए। 14 नंबर फैक्ट्री कहता है भाई सुन, तू तो मशीन 4 का आइटम है, चल मशीन 4 के पास ले जाता हूं। अब मशीन 4 में झांक के देखा और इसको फिट करने की कोशिश की, जब भी मशीन में डालते मशीन बाहर फेंक देता है, फिट ही नहीं हो रहा। क्या चक्कर है? मशीन में डाला, बाहर फेंक दिया, फिट ही नहीं हो रहा। अबे तू कैपिटल एसेट है? हाँ है, तो मशीन में जाना चाहिए, डाला वो फिर बाहर फेंक दिया। पता चला कि ये गुडविल ऑफ प्रोफेशन था और मशीन में लिखा हुआ था अंदर कि गुडविल ऑफ बिजनेस
को बेचने पर तो हमें पता है कैसे निकालना है कैपिटल गेन। गुडविल ऑफ प्रोफेशन में एक एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बैठा है बीसी श्रीनिवासा शेट्टी जो कहता है भाई गुडविल ऑफ प्रोफेशन पे कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। 224 तो भेज रहा है वहां तक, मशीन बाहर फेंक दे रहा है तो टैक्सेबल नहीं है। ऐसे आपको ये सारा सर्कल घुमाकर यहां तक पहुंचना पड़ेगा। फाइनल का ही है ना ये, पढ़ो तो इंटर जैसा भी है। अभी कहां तक पहुंचे आप? 245 लिख लिया आपने, उसके बाद 245 से कहां पहुंच गए? 224 पहुंच गए। अच्छा अब मुझे बताइए, सबसे पहले आपके पास जो भी है उसके डिस्कशन को करना पड़ता है। लिखिए, बीच में लिखिएगा सेंटर पे, वेदर इनकम इज डिफाइन या कवर्ड बाय 224, यानी आपके हाथ में जो भी होगा पहला प्रश्न उससे यह पूछा जाएगा। अगर वो 224 में डिफाइन है तब बताइए आगे क्या होगा, कहां भेजेंगे उसको? हाँ, अब डालेंगे, फिर से लिखेंगे वेदर सच इनकम इज टैक्स्ड इन इंडिया एज पर सेक्शन 5 अब सेक्शन 5 ही पैदा करेगा सेक्शन 6 को, 7 को, 9 को, ये 5 ही पैदा करेगा। कैसे भाई? सेक्शन 5 जो है वो कहेगा कि रेजिडेंट के लिए ये वाली टैक्सेबल है, तो प्रश्न उठेगा भाई रेजिडेंट मतलब, तो वो 6 बताएगा। फिर वो कहेगा डीम्ड रिसीव्ड के लिए, अगर इनकम डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया है तो भी टैक्सेबल है। हमने कहा भैया ये डीम्ड रिसीव क्या आ गया, डीम्ड मतलब जबरदस्ती रिसीव्ड, 7 बताएगा। फिर लिखा होगा डीम्ड अर्न भी इंडिया में टैक्सेबल है, भैया ये डीम्ड अर्न क्या है, 9 बताएगा। वहीं से वो चीजें पैदा होंगी। अच्छा तो आंसर आ जाएगा इसके बाद, मान लेते हैं यस, इसके बाद ये आंसर आ जाता है यस। अब इसे हम लेकर जाते हैं, सर आपने ये दो एरो क्यों बना दिया, हम भी बनाए क्या? हाँ आप भी बनाओ, दो बनाओ। इसके बाद यहां जाएगा क्लासिफिकेशन। क्या मैं फिर से दिखाऊं? आपने कॉपी नहीं किया तो, कॉपी कर रहे हैं ना साथ साथ? क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 14। लो जी, अब यहां पर आएगा मशीन, यहां पर 5 मशीन होंगे, यहां पर 5 मशीन होगा, 1 जिसमें लिखा होगा सेक्शन 15, दूसरा जिसमें लिखा होगा 22, तीसरा जिसमें PGBP लिखा होगा 28, चौथा जिसमें 45 लिखा होगा, कैपिटल गेन, और आखिरी जिसमें लिखा होगा 56 अदर सोर्सेस। जब बस इस मशीन से जो प्रोडक्ट निकलता है इसको हमें इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद दो पॉलिसिंग का काम होता है, एक क्लबिंग प्रोविजन लगता है। आप ही मुझे बताइए, अगर क्लबिंग सेट ऑफ दोनों रास्ते में मिल गए आपके तो पहले क्या लगेगा? अच्छी तरह आप देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले क्या लगेगा, क्लबिंग प्रोविजन लगेगा, उसके बाद लगेगा सेट ऑफ प्रोविजन।
क्लबिंग और सेट ऑफ के बाद, क्लबिंग और सेट ऑफ के बाद अब बनेगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम से आप लेते हो क्या, डिडक्शन, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है। क्या बेटा रह गया, पूछ लो, मन में ना रखो। देखो इधर, क्या ये सेट ऑफ, क्या ये, फिर क्या है? अरे क्या बात कर रहे हो, कॉमा है भाई, कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तुम स्किप कर गए। तीन हाई कोर्ट ने इसे डिफाइन किया है, कॉमे को, इस कॉमा को तीन हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है, आप स्किप कर गए थे। कॉमा ये क्या है, और क्या है, फिर से बोलो क्या है, एंड सेट ऑफ। क्या दो बार सेट ऑफ यूज हो गया, करेक्ट। क्या ये ताजा सेट ऑफ है, हाँ भाई सेट ऑफ भूल गए, इधर देखो ये ताजा सेट ऑफ है, ताजा। लॉस आया तो सेट ऑफ करोगे पहले, नहीं हो पाया तो क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद करोगे सेट ऑफ। तो बताओ ये वाला सेट ऑफ बासी है कि ताजा, ले तू बता ना, तेरे पास लॉस आया पहले क्या करेगा, देख जो लिखा हुआ है वो करेगा, देख उधर बता क्या करेगा, क्या करेगा, सेट ऑफ करेगा, नहीं हो पाया सेट ऑफ, अब क्या कर लेगा, कैरी फॉरवर्ड कहाँ, अगले साल, अगले साल, और फिर क्या करेगा उसके बाद, सेट ऑफ। तो अब जो सेट ऑफ करेगा वो बासी खाना है कि ताजा है, बासा है ना, पिछले साल का है ना, क्या ये पिछले साल का खाना है, अरे सुन तो लो, कहाँ भागे जा रहे हो, रुक जाओ, क्या ये पिछले साल का बासा है, बताओ, तुम अच्छे इंसान हो, दिख रहे हो मुझे अच्छे इंसान, बासी खाना तुम पे है, खुद खाओगे पड़ोसी को खिलाओगे, देखो अच्छा इंसान ऐसे देखो यार, फिर क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, अज्यूम्ड कि तुम अच्छे इंसान हो, आप बोलो, अरे अज्यूम करके बोल दो मिनट के लिए, है ये अज्यूम भी ना कर पाएगा। अच्छा इसको छोड़िए, ये गड़बड़ लड़का है, बताइए अगर हम अज्यूम कर लें कि हम अच्छे इंसान हैं, अज्यूम कर लें तो खुद खाएंगे, बासी क्यों दूसरे को खिलाएंगे, और मान लीजिए आप नहीं खा पाए तो फ्रिज में रख दीजिएगा, अगले साल फिर खाइएगा, अगले दिन, मतलब अगले दिन, अगले साल। अच्छा बताइए फ्रिज, फ्रिज आपके खाने को कब तक प्रिजर्व करेगा, एक टाइम तक। इधर देखिए आपको हंसी आ रही थी, देखिए पूरा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का रूल आपके ब्लड में अभी डाल दिया, बताइए पिछले साल का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, क्या उसे दूसरे घर, पड़ोसी के घर पीजीबीपी से एडजस्ट करेंगे, देखिए कैसे याद रहेगा, सिंपल है ना, सिंपल, करेंगे ही नहीं, क्योंकि खाना बासी है, दूसरे को नहीं खिलाएंगे, खुद ही खाएंगे। और फ्रिज कितने दिन तक संभाल के रखेगा, 8 साल, क्या ये सब याद करना पड़ेगा, क्यों भाई, हम भूल गए थे क्योंकि आपने रटा था, रटने की जरूरत ही नहीं थी, आप ही बताइए लॉजिकल है, जिस खाने में मसाला ज़्यादा है वो जल्दी खराब होगा कि लेट से खराब होगा, जिसमें ज़्यादा मसाला है वो जल्दी खराब होगा कि लेट से खराब होगा, जल्दी खराब होता है मसाला ज़्यादा होता है तो, है ना भाई, छोले में ज़्यादा मसाला डाल दो, बाहर से खरीद के लाते हो छोले, फ्रिज में रख के देख लो तुम 2-3 दिन, शादी ब्याह में खाना बनता है उसे फ्रिज में डाल के देख लो 2-3 दिन खराब हो जाएगा, घर का जो डेली खाना बन रहा है उसे फ्रिज में रखो 4-6 दिन बच जाता है। इसका मतलब कि OMRH और स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस ज़्यादा मसालेदार होता है, वो 4 साल में खराब हो जाएगा, कितना सिंपल लॉजिक है बताओ, खाने पे तो सब बेस्ड है, आपने पता नहीं कैसे रटा इसको, ओनिंग मेंटेनिंग रेस वर्सेस मसालेदार खाना है कि नहीं, आप ही बताओ, रेस में घोड़े जो दौड़ते हैं उसको तो मेंटेन करते हो, मसालेदार खाना नहीं है ये, सट्टेबाजी का काम करते हो, मसालेदार नहीं है ये, बताओ ये जल्दी खराब हो जाएगा कितने साल में, 4 साल में, 4 साल में खराब हो जाएगा, यही तो रूल्स है इसके, इतना दिमाग क्यों लगाया रटने के लिए, इसीलिए तो रट नहीं पाए, रटने की जरूरत ही नहीं है कहीं। अच्छा अच्छा मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा, मतलब ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे सुना हुआ सा है, तो ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। ये मत समझना कि सर क्या क्या बोलते जा रहे हो, ऐसे तो हम नोट कर लेते तो ज्यादा सही रहता, वो तो हम पढ़ेंगे ही, आज तो एक ओवरऑल जर्नी दे रहा हूं कि क्या क्या हमें करना है, स्पीड बता तू, ठीक है। अच्छा ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर दिया क्या मैंने, डिडक्शन, इसके बाद ये आया टोटल टैक्सेबल इनकम, ये आया टोटल टैक्सेबल इनकम।
ये आपका 14 नंबर का फैक्ट्री बंद हो गया यहाँ पे। फैक्ट्री 14 नंबर वहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ जाकर ख़त्म हो गया। यही है आपको जिसको हमने डिफाइन करके दिया था, यही डिफाइन हो रहा था आपका सेक्शन 245 में। वापस आ गया 245 में। अब आप बताइए 245 तक जब आप पहुंच गए तो इसमें कुछ स्पेशल इनकम है आपके पास? मुझे नहीं समझ आ रहा है। स्पेशल इनकम किसको कहेंगे सर? वो इनकम, हाँ हाँ बोलो बोलो, जिसका टैक्स रेट, हाँ हाँ बोलो, सेक्शन में लिखा होगा। बेटा ये तुमने जो बोल दिया, अगर एग्जाम तक याद रखो तो कितने सेक्शन में गजब की क्लैरिटी आएगी, तुम्हें खुद नहीं समझ आएगा। लेकिन ये बोलना पूरा कि जो इनकम सेक्शन में डिफाइन है टैक्स के साथ, जिस इनकम पर का टैक्स रेट, जिस इनकम का टैक्स रेट सेक्शन में दिया हुआ है, वो स्पेशल इनकम है। अब तुमने देखना इसके इसकी क्लैरिटी कहां कहां फैलेगी, जरूरत कहां कहां पड़ेगा। तुमने एक सेक्शन पढ़ा है 80G डोनेशन। अरे वो चार लिस्ट होते थे गंदे से, अजीब अजीब से लिस्ट होते थे डोनेशन। उसमें सर एक बार ना फंस जाते थे हम, ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, बस देखते ही हम छोड़ देते थे कि इसको छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उसमें देखना जब मैं कहूंगा स्पेशल इनकम हटाने, तो तुम्हारा दिमाग अब खुल जाएगा। अभी तुम्हारे दिमाग में चार स्पेशल इनकम आ रहे हैं सिर्फ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी वाला, ब्लैक मनी वाला, शॉर्ट टर्म वाला। चार नहीं है, 14 है स्पेशल इनकम। लेकिन चूंकि तुमने अभी सुन लिया कि स्पेशल इनकम, आज के बाद हम उस इनकम को बोलेंगे जिस जिसके टैक्स सेक्शन में लिखे होंगे, तो भाई साहब ये क्लैरिटी आपके फाइनल तक, एग्जाम तक गजब की क्लैरिटी बना के देगा। कई सेक्शंस में आप कंफ्यूज हो गए कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, ये काम आएगा कि ये स्पेशल है कि नहीं। सर ये स्पेशल है तो इसका ऐसा ट्रीटमेंट करना है, देखना बताऊंगा। बस स्पेशल इनकम पे कमांड करके चलना और स्पेशल इनकम का लिस्ट याद नहीं करना, बस दिमाग में बैठाना है कि जिस इनकम का टैक्स रेट सेक्शन में लिखा हुआ है वो स्पेशल है। कल कोई भी इनकम तुम्हें मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल भाई साहब वो इंडियन कंपनी का डिविडेंड कमाते हो ना, इंडियन कंपनी का डिविडेंड याद होगा, ये तो पक्का याद होगा, ऐसा मत बोलो भूल गए। इंडियन कंपनी का डिविडेंड टैक्सेबल था या एग्जम था? किस सेक्शन में? 1034। कोई बात नहीं, अरे डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड एग्जम नहीं होते थे, है ना, वो 1034 में एग्जम होता था। अब एक सेक्शन आ गया, ये कहता है, अरे नाना याद हो जाएगा, मैं कराऊंगा याद, ये डरना नहीं है सेक्शन से। तुमने अजीब अजीब इंसान को याद रखा, उनके फीचर को याद रखा, उनकी बदतमीजियों को, उनकी अच्छाइयों को याद रखा, नहीं याद है? तुम्हें डर क्या रहता है कि सारे सेक्शन एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा? अब एक साथ क्यों आएंगे, एक एक करके आएंगे, आते जाएंगे याद आता जाएगा, घबराओ नहीं। कभी पहले तो घबराओ नहीं, दूसरी बात इसे तुम सेक्शन ना समझो, इंसान समझो। को देखा हमने, हाँ देखा, ओहो हम लोगों को कैसे याद होता है? आप कहते हो सर आप पढ़ाते रहते हो इसलिए याद हो जाता है, नहीं। अरे भाई जो नए सेक्शन आते हैं उसको तो पहली बार ही पढ़ाता हूँ, याद तो वो भी रहता है, देख देख के तो पढ़ाता नहीं, कैसे याद होता है? हम इसको फील करते हैं भाई ये तो एक इंसान है, 115 डबल भी, अच्छा तुम नए आदमी आए हो, क्या कह रहे हो भाई, बात करो इससे, क्या कह रहा है? कहता है सुनो 10 लाख से ऊपर अगर डिविडेंड आ गया ना इंडियन कंपनी का, 10 लाख से ऊपर, इट विल बी टैक्स्ड एट द रेट 10%। ओ भाई एक मिनट, तूने रेट बता दिया क्या? तू सेक्शन है, हाँ तू रेट बता रहा है, हाँ एक मिनट, तू फिर से बोल क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूं इंडियन कंपनी का डिविडेंड जो आज तक इंटर में तुम एग्जम्प्ट करते आ रहे थे, अगर वो 10 लाख से ज्यादा है, हाँ हाँ है भाई, 16 लाख है भाई, हाँ तो जो एक्स्ट्रा वाला है ना, एक्स्ट्रा वाला मतलब, अरे 10 लाख से जो ज्यादा है, हाँ 6 लाख, उस पर 10% टैक्स रेट है। इसका मतलब हुआ कि 16 लाख में 10 लाख एग्जम्प्ट है, 6 लाख टैक्सेबल है और रेट है उसका 10%, तो ये जो 6 लाख है ये स्पेशल इनकम है कि नॉर्मल इनकम है? स्पेशल इनकम हो गया। अब तुम्हें जहां जहां मैं स्पेशल इनकम के बारे में कहूंगा, क्या कहूंगा मालूम? अरे 80C से TU का डिडक्शन सुना है तुमने, 80C से TU का डिडक्शन सुना है तुमने? मैंने कहा क्यों नहीं सुना है भाई साहब, याद ना हो, सुना तो है 80C से TU,
भाई वो स्पेशल इनकम से नहीं घटता। कि क्या 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 कह दिया आपने? भाई वो स्पेशल इनकम से नहीं घटता। हाँ तो अब देखो इस तो का मजा, तुम पे हाउस प्रॉपर्टी है 90,000, एग्जामिनर कहता है डिविडेंड है इंडियन कंपनी का 16,00,000, और तुमने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से पॉलिसी ले रखी है, इसका डिडक्शन तुम सबको पता है 80C में मिलता है, वो मान लो तुमने 1,40,000 की पॉलिसी ले रखी है प्रीमियम। अब तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्स निकालो, क्वेश्चन कह रहा है टैक्स निकालो, टैक्स 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 निकालो टैक्स। आपने कहा भाई साहब टैक्स तो बहुत दूर है ना, ऐसे करके घूम के आएंगे? हाँ तो घूम के आओ चलो। तो बताइए ग्रॉस टोटल इनकम में एक मशीन का कैलकुलेटेड इनकम दिया हुआ है 90, दूसरे मशीन या अदर सोर्सेस की मशीन है ये 1034 एग्जम करा देगा, 1034 एग्जम करा देगा कितना 10, तो 6 टैक्सेबल हो जाएगा। तो बताओ ये हाउस प्रॉपर्टी, ये IFOS, ये GTI कितना? अब डिडक्शन 80C, ये काम आया तुम्हारा पढ़ा हुआ जो मैंने कहा था स्पेशल इनकम को डिडक्शन नहीं देंगे, और 6,00,000 के बारे में सेक्शन बता रहा है, इसका मतलब 6,00,000 स्पेशल इनकम है, इसका मतलब इसे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जब इसे नहीं मिलेगा तो दूसरी इनकम है ही तेरे पे 90, तो 1,40,000 अगर तू घटाएगा तो इसका मतलब तूने 90 तो घटाया ही, 6 को भी घटा गया। अगर तुम 1,40,000 घटा रहे हो तो इसका मतलब तुमने 90 भी घटाया और 6 में से भी लेस कर दिया। हाँ वो तो कर ही दिया, तो गलत किया ना, 6 को तो डिडक्शन ही नहीं था। सर मतलब 6 को डिडक्शन नहीं है? नहीं 6 की बात नहीं है, स्पेशल इनकम जितनी भी है 4 नहीं 17 हो सकती है, बस याद रखना है स्पेशल इनकम जिसका टैक्स रेट सेक्शन बताएगा उसको डिडक्शन नहीं मिलता 80C to 80U। तो भाई साहब इसका मतलब 90 ही घटेगा? हाँ, और ये कितना आएगा? 6,00,000। अच्छा अब आगे क्या सिखाया बताना, देखो मजा आएगा तुम्हें भी, आगे क्या सिखाया बताना? इसके आगे बताया था ना स्पेशल और नॉर्मल, नॉर्मल लड्डू और स्पेशल छह, ठीक। और ये क्वेश्चन पता है एक इंसान का है जिसके बारे में तुमने सुन रखा है कि 2,50,000 तक की छूट है, और 2,50,000 से ऊपर 5, फिर 20, फिर 30, क्या अब 6,00,000 पे टैक्स निकालते समय ऐसा कुछ रहम दिखाओगे? क्यों नहीं दिखाओगे? क्योंकि सर ये जो आप बता रहे हो ना, आप जो बता रहे हो अभी वो 2,50,000 और ये वो, पता है सर वो फाइनेंस एक्ट में लिखा है, और ये कहानी यहां चलेगी सर, यहां नहीं चलेगी। अभी समझ आया? एक आदमी कह दे कि भाई मैं लॉटरी से 2,00,000 रुपए कमाता हूं और 2,50,000 तक की तो छूट है, कहना भाई सुन लॉटरी से जो कमा रहा है ना वो स्पेशल इनकम है, और तू जो छूट छूट चीख रहा है ना वो फाइनेंस एक्ट ने बताया है, और फाइनेंस एक्ट स्पेशल पे थोड़ी नॉर्मल पे लागू होता है, तो स्पेशल पे तो लगा ही नहीं पाएंगे वो सब झंझट। समझे? वापस आइए, तो स्पेशल इनकम और उसके बाद यहां लिखना है टोटल टैक्सेबल इनकम माइनस स्पेशल इनकम जिसे हम कहेंगे नॉर्मल इनकम। बेटा कॉपी ऐसे ही करना है, सिर्फ नॉर्मल इनकम मत कॉपी करना, यह सबसे बेहतरीन चीज है जो तुम्हें अभी फीलिंग नहीं देगा। यह जो फॉर्मूला तुमने लिख दिया ना, देखना गजब की फीलिंग देगा, गजब का साथ देगा, यह बहुत तीखा हथियार है, बचाएगा तुम्हें एग्जाम में, यकीन करना। तुम कहना सर आपने झूठ कहा था, अगली क्लास में देख लेना या अभी देख लेना, एक क्वेश्चन होगा जिसने इसको नहीं फॉलो किया वो गिर जाएगा। ये फॉलो करके लाना है नॉर्मल, नॉर्मल को डायरेक्ट नहीं लाना, इसको फॉलो करके लाना, स्पेशल ले लेना और नॉर्मल मतलब जो बच गया। अब बताओ स्पेशल पे टैक्स रेट लगाएंगे एज पर सेक्शंस, और नॉर्मल पे टैक्स रेट लगाएंगे एज
एज पर फाइनेंस एक्ट। और इनको अब जोड़ लेंगे तब ये बनेगा फाइनल टैक्स, जिसमें सरचार्ज, एजुकेशन सेस ये सब भी जोड़ेंगे, ये फाइनल टैक्स है। अब तुम देखो तो पूरा तुमने जो फॉर्मेट तैयार किया है उसमें मुझे दो तीन बातें डिस्कस करनी है। एक, सेक्शन 10 कहां जाएगा? 10, ये जो पूरा तुमने फैक्ट्री सेटअप तैयार किया उसमें 10 को कहां प्लेस करोगे? 10 मतलब जो इनकम एग्जम्प्ट है। एक मिनट, आपने क्या कहा सर? जो इनकम एग्जम्प्ट है, यानी इनकम तो है, यानी 2/24 के बाद की बात है। अच्छा एक मिनट सर, आपने कहा जो इनकम एग्जम्प्ट है, इसका मतलब आप एग्जम्प्ट दे रहे हो, इसका मतलब आप नहीं देते तो वो टैक्सेबल था? हाँ टैक्सेबल था, यानी अगर कोई टैक्सेबल ही नहीं है तो उसको क्यों मैं एग्जम्प्शन दूंगा? यानी कोई इनकम अगर इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है तो उसको हम एग्जम्प्शन क्यों देंगे? इसका मतलब वो इंडिया में टैक्सेबल था, अब एग्जम्प्ट है। समझ गया सर, यानी कि सेक्शन 5 के बाद की बात है। अच्छा अभी देखते हैं, मशीन के अंदर तो नहीं फिट होगा ये सेक्शन 10? भाई मशीन में डालोगे तो वो तो प्रोसेस करके टैक्सेबल निकाल देगा, जो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है उसे मशीन में क्यों डालोगे? अच्छा सर समझ गए, तो क्या करेंगे सेक्शन 10 को बीच में, यानी 14 के आसपास, यहां जो मैंने यहां जो डाला हुआ है ना, यहां सेक्शन 10 शेल अप्लाइज। हाँ क्यों नहीं, सेक्शन 10 कहां अप्लाई करेंगे? जब आप 14 नंबर के सेक्शन में डाल रहे होंगे मशीनों में डाल रहे होंगे ना प्रोसेस के लिए, उसी वक्त सेक्शन 10 अप्लाई हो जाना है। सेक्शन 10 क्या होता है जानते हैं? सेक्शन 10 में जितने भी क्लॉजेस हैं, 50 से ज्यादा क्लॉज है सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 में जितने क्लॉजेस हैं वो एग्जम्प्ट करता है इनकम को। सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम से याद आया, एग्रीकल्चर इनकम आपका फेवरेट रहा होगा, सारा एग्जम्प्ट, और उसमें एक जगह फंसते होंगे दोनों इंटीग्रेशन में, एग्रीकल्चर और टोटल टैक्सेबल इनकम को जोड़ोगे स्लैब, फिर बढ़ जाता है फिर घटाओगे फिर बचा हुआ, ऐसे कुछ याद आ रहा है? कुछ इंटीग्रेशन करते थे ना एग्रीकल्चर का, कुछ कंडीशन होता था 5000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर है और दूसरी इनकम MEL से ज़्यादा है तो इंटीग्रेट करेंगे, कुछ ऐसा नहीं? चलो बताएंगे और उसका लॉजिक देंगे आपको, लॉजिक आपने नहीं लिया होगा इंटर में, मतलब सिर्फ ये लिया होगा कि हाँ ऐसा करते हैं, लॉजिक के नाम पे यही होगा कि सरकार ने जुल्म कर रखा है हम पे, एग्रीकल्चर जोड़ देती है टैक्स लगा देती है धोखे बाद सरकार। आप देखना कि वो कितनी अच्छी चीज़ है, उसमें कोई जुल्म नहीं है, वो बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट का दिया हुआ बहुत बढ़िया स्टेप है, इंदिरा गांधी का निकाला हुआ था वो, बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, उसमें कोई छल कपट नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, आपको बताऊंगा लॉजिक बताऊंगा। फिलहाल हम बेटा आप कह रहे हो सेक्शन 10, सुनो इधर देखो, सेक्शन 10 क्या कहता है? इनकम ही एग्जम्प्ट है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है एग्जम्प्ट है, जैसे डिविडेंड है एग्जम्प्ट है, जैसे म्यूचुअल फंड की इनकम है एग्जम्प्ट है, ऐसे इनकम बहुत सारे एग्जम्प्ट है। तो जो इनकम एग्जम्प्ट है उसे आप कहां प्लेस कर रहे हैं? आप सेक्शन 5 के बाद और सेक्शन 14 को फाइनल जब आप कर रहे हैं उसके पहले बीच में आप सेक्शन 10 को यूज कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि सेक्शन 10 कहां यूज होगा? इस प्रोसेस के पहले की बाद में, ये एक प्रोसेस है, देखिए ये प्रोसेस है, आपको सेक्शन 10 यही निपटा देना है, बाहर नहीं आना चाहिए, यही निपटा देना सेक्शन 10, बिल्कुल यही निपटा देना सेक्शन 10। एक आध सेक्शन 10 बेचारा मजबूरी में इधर उधर, मतलब जैसे भीड़ में धक्का लग के एक आध निकल जाता है, वैसे एक आध निकला हुआ है यहां बेचारा, जैसे तुम्हें एक मिलेगा यहां पे, यहां मिल जाएगा 1032, एक आध बस, एक ही भीड़ से बाहर है कि बच्चे की इनकम क्लब कर रहे हो क्या? हाँ 1500 छोड़ दो भाई, बच्चे की इनकम क्लब कर रहे हो हाँ तो 1500 छोड़ दो, तो एक आध जैसे भीड़ में धक्का खा के इधर पहुंच गया है, बाकी सब यहीं लगा देना है। अभी आपको मैं बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में एक जबरदस्त केस गया, गजब का डिस्कशन गया, बेहतरीन डिस्कशन, और एक्ट को अमेंड करना पड़ा 2017 में उसके लिए। डिस्कशन ये था
कि सेक्शन 10 तो यहीं पर ये सब केस जाता है कि 10 कहां लगेगा, यहां तो नहीं लग जाएगा कहीं कि यहां लगेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। आपको भले ही लग रहा है कि क्या 10 एग्जम्प्ट है, कहीं भी लगा दो एग्जम्प्ट ही होगा, अरे ऐसे कैसे? अभी दिखाता हूं। जैसे सेक्शन है 10AA, नहीं सुना? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुना? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट 15 साल तक एग्जम्प्ट रहता है, शुरुआत के 5 साल 100%, अगले 5 साल 50% और आखिरी के 5 साल 50% विद कंडीशन। हम डिडक्शन देते हैं, डिडक्शन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, रिसेंटली आपके एग्जाम में, मतलब मेरे तरफ से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल करा के ऐसे लगवा दूंगा कि ये आएगा ही आएगा, अभी सिर्फ छेड़ रहे हैं इसको। तो सेक्शन 10 में डिडक्शन मिलता है, जैसे आप फील करो कि आप सेज में बिजनेस कर रहे हो और सेज के बिजनेस से आपने एक्सपोर्ट किया और उस एक्सपोर्ट से आपको प्रॉफिट आ रहा है तो हम उसका आपको डिडक्शन दे देंगे। जैसे मान लो कि पाँच साल के बाद डिडक्शन मिलता है 50%, तो मान लीजिए कि आपका 8वां साल है और आपने एक्सपोर्ट प्रॉफिट कमाया 40 लाख, तो भैया जी 20 लाख का आपको हम डिडक्शन देंगे। लेकिन ये 20 लाख कहाँ से घटेगा, ये 10AA प्लेस कहाँ होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया कि 10AA को क्या यहाँ प्लेस कर दे यहाँ? अरे एक्सपोर्ट प्रॉफिट का डिडक्शन है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट तो आने दो पहले। अच्छा अच्छा, तो मशीन में डाल दे, हाँ मशीन में तो डाला दो पहले, इसके बाद ये बाहर आ गया। तो लोगों ने प्रैक्टिकली इसको क्या किया था, यहां पर प्लेस कर दिया था, मशीन के आगे एक छोटा सा थैला लगा दिया कि आप प्रॉफिट आया ना तो उसे आप आगे मत लेके जाइए, जीटीआई में मत लेके जाइए, आप 10AA यही माइनस कर दीजिए। ठीक, ये डिस्कशन गया। अब आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ जाता है, बताइए। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये सब क्वेश्चन कराऊंगा, घबराना नहीं, अभी डिस्कशन चल रहा है, पहली क्लास में सिर्फ हम ओवरव्यू दे रहे हैं, ये सारे मैटर्स समय समय पर आएंगे और सारा डिटेल में डिस्कशन होगा। ए लिमिटेड के पास 2 यूनिट है, यूनिट ए यूनिट बी। यूनिट ए सेज वाली है, इससे 40 लाख का प्रॉफिट आया है, आपको पता है कि हम इसे 50% 10AA देने वाले हैं, ठीक है। यूनिट बी से लॉस आ गया है 16 लाख का, समझ गए? अब ये 10AA अगर आप यहां प्लेस कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट होगा यूनिट ए 40 माइनस 20, और कम कर देते हैं ना, 40 को और कम कर देते हैं, 40 की जगह कर देते हैं 30, अब मजा आएगा 30, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 15, ये आपने यही लेस कर दिया, तो यूनिट ए से 15 आ गया और यूनिट बी से आ गया -16। तो भाई साहब -16 आ रहा है तो फिर ऐसा कीजिए कि सेट ऑफ कर लीजिए, तो इसका 0 आ गया और इसका जो 1 लाख है इसे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ अब दिमाग चल रहा है, बताओ, अब बताओ अगर मैंने 10AA यहां प्लेस किया यहां तो ये आंसर है, ठीक, यानी 1 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, गॉट इट। और अगर 10AA, झगड़ा यही था कि 10AA कहां प्लेस करें, अगर 10AA यहां प्लेस करें तो इसका मतलब पहले सेट ऑफ लगेगा, यस और नो? तो सेट ऑफ पहले लगेगा तो ये भूल जाओ, तो फिर तो ऐसे होगा कि यूनिट ए से 30,
यूनिट 20 है तो नेट कितना है यूनिट ए में 14। अब आपने 15 निकाला था, 15 था तो 15 लेस कर दीजिए। अब 15 लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि है ही 14, तो 14 लेस कर दीजिए 0। बताइए ऐसे में कैरी फॉरवर्ड कुछ हुआ? और ये मैंने लाखों का ट्रांजैक्शन किया, करोड़ों के ट्रांजैक्शंस में डील हो रही है, करोड़ों का टैक्स का चूना लग सकता है सिर्फ ये देखकर कि 10AA प्लेस कहां करना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसको फिर से नलीफाई करके 2017 में अमेंड किया लॉ को, अमेंड किया लॉ को, जो आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम में। और कहां सर, कहां कहां रखा सर वो? यहां रखा। मतलब कुल मिला के हमारा घाटा? हाँ बिल्कुल, ऊपर नहीं रख सकते थे? नहीं, यहाँ रखा। तो 10AA का कहाँ प्लेसमेंट है वो भी जरूरी है, इसको नोट कीजिएगा। आपने डिडक्शंस लिखा है ना, उसके जगह उसके साथ लिखिए 10AA। चैप्टर सिक्स से होता है 80C से TU और साथ में 10AA, ताकि दिमाग में पहले ही रहेगी ये प्लेस कहाँ करेंगे 10AA। उसके बाद 10 कहाँ प्लेस करना है वो ऊपर देख लिया आपने। उसके बाद एक 1032 प्लेस कर दीजिए यहाँ पे, इसका प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपने बताया था अभी मुझे सेट ऑफ पहले लगेगा या पहले क्लबिंग? पहले क्या लगेगा? क्लबिंग लगेगा। यानी कि माइनर बच्चा है मेरा और उसका लॉस आ रहा है, तो पहले क्या करेंगे? क्लबिंग। तो यानी वो लॉस मेरे में क्लब हो जाएगा। अब जब क्लब हो गया तो मैं दूसरी इनकम से उसको सेट ऑफ कर सकता हूं कि नहीं? नहीं समझे, आपने ये बोला, इसे फील कीजिए। आपने कहा पहले क्लबिंग लगाओ तब सेट ऑफ लगाओ। अगर मैं कह देता पहले सेट ऑफ लगाओ तब क्लबिंग लगाओ तो मामला बहुत खराब हो जाता है। चलिए ऐसा बोल के देखते हैं, पहले सेट ऑफ लगाओ तब क्लबिंग लगाओ। ठीक, मैं मेरी वाइफ को मैंने प्रॉपर्टी दे रखा है, एसेट दे रखा है, कैश दे रखा है, उससे मेरी वाइफ ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब नियम कहता है कि बिजनेस इनकम मेरे में क्लब होगी क्योंकि वो पैसे मैंने दिए थे। अब वो बिजनेस लॉस में चला गया, तो पहले आप क्या करिए, सेट ऑफ लगाइए मान लेते हैं। तो वाइफ की का लॉस है, वाइफ का लॉस है, मैं कैसे सेट ऑफ कर लूंगा? तो वाइफ का लॉस है, वाइफ सेट ऑफ करेगी। वाइफ नहीं कर पाई सेट ऑफ तो नेट रिजल्ट कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, इनकम नहीं है। अब वो मेरे में क्लब कीजिए, तो क्लब तो हुआ लेकिन वाइफ के लॉस का मुझे डिडक्शन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपने पहले सेट ऑफ लगाया, क्लबिंग बाद में किया। अब जब चेंज कीजिए, पहले क्लबिंग कीजिए तो जो लॉस है वो पहले मेरे में क्लब हो जाएगा। अब क्लब पहले हो गया, अब क्लब हो गया तो वो लॉस किसका हो गया? वाइफ का कि मेरा? मेरा। अब मैं सेट ऑफ कर सकता हूं क्या? क्योंकि मेरा है तो मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं। पहले क्या दिक्कत थी? वो लॉस वाइफ का है, मैं कैसे कर दूंगा सेट ऑफ? तेरा लॉस भैया, मैं क्यों सेट ऑफ करने लगा? तो पहले क्लबिंग लगाओ, तो क्लबिंग लग गया, अब ये लॉस मेरा हो गया। हाँ हो गया, अब सेट ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्या लगेगा? क्लबिंग। और तब ये सब झगड़े होते हैं कोर्ट में, ये सब फैसला जाता है कि पहले क्या लगेगा, ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं। तो पहले सेट ऑफ, सॉरी क्लबिंग, और उसके बाद सेट ऑफ लगता है, और उसके बाद डिडक्शन मिलता है, उसके बाद डिडक्शन मिलता है। इस पर भी गौर किया जाए ना? ना, इस पर गौर करना पड़ेगा। मेरे माइनर बच्चे का सेविंग अकाउंट है, 8,000 का ब्याज आ रहा है। ब्याज सेविंग अकाउंट के ब्याज पे 1080AA लगेगा, 10,000 की छूट है। सेविंग अकाउंट के ब्याज पे 10,000 डिडक्शन है 80TTA में। अब बताइए, एक माइनर बच्चा है मेरा, उसके पास सेविंग अकाउंट का ब्याज आ रहा है 8,000, पहले सेट ऑफ की पहले डिडक्शन? पहले सेट ऑफ। इससे फायदा देखिए, अगर पहले डिडक्शन बोल दीजिएगा तो डिडक्शन तो माइनर को मिलेगा, और माइनर को डिडक्शन मिलने के बाद जो बचा वो जीरो है, जीरो मेरे में क्लब होगा। लेकिन पहले हम क्या कह रहे हैं कि पहले क्लबिंग होगा तो 8,000 मेरे में आ गया, अब डिडक्शन मिलेगा। गेट इट पॉइंट? तो वो क्या मैं 80TTA ले सकता हूं? ले सकता हूं। मेरा सेविंग अकाउंट नहीं है लेकिन मेरे बच्चे का है, और वो बच्चे का मेरे में क्लब हो रहा है, क्लब हो रहा है, इसलिए उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा। समझ गए? ठीक है, तो ये सीक्वेंस वगैरह बहुत जरूरी है। अब हम वापस फैले हुए चीज को समेट के देखते हैं, क्या हम समेट पा रहे हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। 10:30 एग्जैक्ट छोड़ दूंगा। अब तुझे आज से ही चाहिए क्या? नहीं, आने वाले समय में ना, आज से ही चाहिए। ठीक, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैडम जी से लेकर
द्वारिका तक सब बच्चे गाजियाबाद से लेकर, और कहाँ कहाँ से आते हैं, दूर दूर से। तुम कहाँ बताते, रोनी, पंजाबी बाग। मॉर्निंग का टाइम है, तू तो मेरे घर आ जाकर मैं ले आऊँगा साथ में, इंदिरापुर में रहता हूँ, करीब है। 7:30 ट्राई करेंगे, मुझे 7:30 भी आप ट्राई करेंगे, मुझे 2.25 घंटे भी मिल जाएगा तो मैं काम चला लूँगा। तो 7:30 अगर आप ट्राई करें और आने लग जाएँ तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो 5 या 10 मिनट डिले कर देंगे, 10 मिनट डिले कर देंगे। तो 7:40, 7:45 देखो बेटा, सुनो, सुबह उठने का मज़ा ही अलग होता है, आप कभी उठ के देखो, ओहो मज़ा आ जाता है। सर्दियों में तो और मज़ा आता है, सुबह उठने में एकदम मज़ा आ जाता है। देखो गर्मियों में सोने में क्या मज़ा आता है, एकदम पसीने पसीने, मच्छर और तंग करते हैं, इससे अच्छा उठ जाओ। ठीक है, तो हम लोग 6 बजे 5:30 बजे उठ जाते हैं, 5:30 उठ जाता हूँ मैं भी, फिर आप 6 बजे उठ जाना, फिर भी आ जाओगे 6:30 तक तैयार होके। ठीक है, 7:30 रखे ना, बोल कल आज 8:30 8:30 आ रहे हो नालायक हो तुम लोग। आज सोच रहे थे कि बेसिक बेसिक होगा, कुछ खास तो है नहीं, इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम सिंसियरिटी से शुरू करेंगे, तो आपका ये पूरा सिलेबस 70 लेक्चर में लपेट लेंगे हम, 70। और 70 लेक्चर में लपेटने का मतलब है कि लगभग 2.5 से 3 महीने में निपट जाएगा आपका। फिर आपके पास सफिशियंट रिवीजन, डबल रिवीजन, सब टाइम होगा। एक आध चैप्टर आपने, आपको लगा कि नहीं हमें फिर करना चाहिए, फिर कर लेंगे, क्योंकि वो तो चलता ही रहेगा। तो बेनिफिट है, DT कम से कम 2 बार नहीं करेंगे, कब्जे में नहीं आएगा। आज ही की क्लास देखिए, फैला हुआ है बहुत सारा, बहुत सारे सेक्शन एक साथ आ गए, आएंगे धीरे धीरे करके वो भी, लेकिन आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्राई कीजिएगा तो ये अच्छा बैच निकल जाएगा, 7:30 ट्राई करेंगे, कल फिर ट्राई करते हैं। हमने पीछे बैच ठीक कर लिया था अपनी टाइमिंग जून वाले, उसमें उनको कह दिया था कि भाई जो लेट आएंगे समोसे लेकर आएंगे, समोसे हैं सुबह सुबह कहाँ बनेगा, तो कुछ और रख लेंगे। ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये बताइए सबसे पहले, जब आप सीक्वेंस सीख चुके हो तो सीक्वेंस में सबसे पहले में 2:24 लगाना पड़ेगा, सबसे पहले में 2:24 लगाना पड़ेगा, 2:24 इनकम बताएगा, उसके बाद सेक्शन 5 लगाना पड़ेगा, सेक्शन 5 के बाद हमें लगाना पड़ेगा सेक्शन 14 के बाद हमें लगाना पड़ेगा क्लबिंग सेट ऑफ, उसके बाद जो इनकम आएगी हमारे पास डिडक्शन, ये पूरी इनकम को, इसी को कह रहा था 2:45। 2:45 क्या कह रहा था, वो इनकम, अब उसके लैंग्वेज में देखिए, दो लाइन का लैंग्वेज है, दमदार कितना था। वो इनकम जो सेक्शन 5 ने रेफर किया और कैलकुलेट हुआ उस मैनर में जो कि इस एक्ट में बताया गया, वो है टोटल इनकम, और इस टोटल इनकम पे टैक्स रेट है, और इस टैक्स रेट से हमारा टैक्स बनता है। ठीक है जी, डन। अच्छा, अब आते हैं हम टैक्स रेट पे, थोड़ा सा रेट पकड़ लेते हैं आज, उसके बाद सेट ऑफ थोड़ा देखते हैं क्या क्या पकड़ पाते हैं। लिखिएगा जरा, बुक है ना, बुक, हाँ तो लिखने की क्या जरूरत है, बुक है ही, बुक में टैक्स रेट निकाल लीजिए। ये देखिए, ये है ना 2:45, पेज नंबर है 26। देखिए ना, ये है 2:45, इसमें से स्पेशल अलग करना है, नॉर्मल अलग करना है, स्पेशल पे फ्लैट रेट लगाना है। नॉर्मल मैंने यहां लिखा है स्लैब, यू कांट अप्लाई स्लैब ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ SSC, इफ इंडिविजुअल HUF देन स्लैब, इफ कंपनी देन फ्लैट, एग्जैक्टली। यानी कि हम यहां पर क्या कहेंगे कि ये टैक्स रेट एज पर फाइनेंस एक्ट है,
और इधर टैक्स रेट क्या कौन सा है, इधर कौन सा टैक्स रेट है एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन वाइज, फिर इनको जोड़कर क्या बोल रहे हैं जरा बोलिएगा तो। ना 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 बताइए, नॉर्मल पे टैक्स लगाया, स्पेशल पे टैक्स लगाया, मर्ज करके क्या बोला, मर्ज करके क्या बोला, बेसिक टैक्स, बेसिक टैक्स क्या बोला, बेसिक टैक्स। देखिए अब थोड़ा हम डिटेल में जा रहे हैं तो फिर से सुन लीजिए, स्पेशल पे टैक्स, नॉर्मल पे टैक्स मर्ज कर दीजिए, क्या बोलेंगे, बेसिक। इस बेसिक के ऊपर सरचार्ज है, इस बेसिक के ऊपर सरचार्ज है, इस बेसिक के ऊपर सरचार्ज है, सरचार्ज जोड़ लीजिए, उसके बाद एजुकेशन सेस है, एजुकेशन सेस हमेशा, सरचार्ज इफ एनी, और हो सकता है कि आपको रिबेट भी मिल जाए, तो एक चांस है। देखिए इधर आप बेसिक पर जब पहुंचेंगे ना तो यहां से तीन रास्ते निकलते हैं, एक सरचार्ज वाला रास्ता, एक कुछ भी नहीं, और एक रिबेट वाला रास्ता। फिर ये तीनों रास्ते एक साथ मिलकर ईसेस लगाते हैं और फिर आ जाता है टैक्स लायबिलिटी। यानी बेसिक टैक्स कहां से लाएंगे आप, स्पेशल इनकम के ऊपर टैक्स लगाएंगे और नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स लगाएंगे, और यहां से आएंगे बेसिक पे। फिर बेसिक से रास्ते तीन जगह फैलते हैं, एक प्लेन रास्ता है कुछ भी नहीं है, एक में गरीबों को रखा गया है रिबेट, एक में करोड़पति अमीरों को रखा गया है सरचार्ज। आम आदमी, गरीब आदमी और अमीर आदमी ऐसे रखा गया है। तो गरीबों को हम 2500 की छूट देते हैं, गरीब की परिभाषा, गरीब विदेशी थोड़े ना गरीब होते हैं, बाहर वाले गरीब होते हैं क्या, इंडिया ही गरीब होगा। तो हम क्या लिखते हैं, इंडिविजुअल रेजिडेंट 3.5 लाख तक, HUF को गरीब नहीं माना है, गौर किया जाए, इंडिविजुअल रेसिडेंट NR को गरीब, NR तू है यानी बाहर तो आता, आना जाना है तेरा, काहे का गरीब भैया, बाहर आ जा रहा है फ्लाइट से ही जाता होगा, दौड़ के तो नहीं जाता नहीं होगा, काहे का गरीब भैया तू है। तो इंडिविजुअल रेसिडेंट और TTI शब्द को फिर से रिपीट कीजिए, TTI, GTI नहीं, GTI नहीं, TTI 3.5 लाख तक, TTI कहां तक, 3.5 लाख तक, इसको गरीब बोला गया और 2500 रुपए की छूट है। तो बताइए रिबेट 87A में किसको मिल रहा है, इंडिविजुअल प्लस रेजिडेंट प्लस 3.5 लाख तक TTI, इंडिविजुअल रेजिडेंट 3.5 लाख तक TTI, इंडिविजुअल रेजिडेंट 3.5 लाख तक TTI। गलती करेंगे पिटाई करूंगा अगली क्लास में, अगली क्लास में फिर वो टीचर वाला काम खत्म, भाई वाला काम शुरू, अगली क्लास में गलती करेंगे पिटाई हो जाएगी। इंडिविजुअल अगर NR आ गया ना, NR और तुमने रिबेट दे दिया, फिर आके बताता हूँ तुमको, उतरूंगा फिर बताऊंगा किसको देना है। इंडिविजुअल कितनी बार बोलना है, जितनी बार मैं बोल रहा हूँ क्या, इंडिविजुअल प्लस रेजिडेंट प्लस TTI 3.5 लाख तक। एक बार रिस्क लेके देखो बेटा, अभी तक बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो उस पैटर्न को छोड़ के देखो कितना मजा आ जाएगा पढ़ाई में। अभी तक हम बचपन से ऐसे पढ़ते हैं ना, एक मिनट सर, हाँ ठीक है सर, फिर क्या, फिर जो याद करेंगे, क्यों याद करेंगे, फिर वही बात। अगर आप अपने आप में भरोसा रखो कि मैं पूरा सुन रहा हूं पूरा, और भूल के दिखाओ मुझे कल, बस अपने आप में यह भरोसा रखो कि मैं सुन रहा हूं 100% सुन ही रहा हूं और कुछ नहीं सोच रहा, सिर्फ सुन रहा हूं, क्या इंडिविजुअल रेसिडेंट और TTI कहा है सर ने, जबरदस्ती जिद मार के बोला है TTI, इसका मतलब GTI 6 लाख है, डिडक्शन देने के बाद TTI 3.50 है तो रिबेट मिलेगा, और तुम देखना तुम्हें कैसे लाइफ टाइम याद रहता है ये सब चीजें। तो इंडिविजुअल प्लस रेजिडेंट प्लस TTI 3.5 लाख तक, तो रिबेट है 2500 रुपए की छूट है रिबेट में। तो ये तो रिबेट वाली बात हो गई, चलिए ठीक है। अच्छा रिबेट कहां से दीजिएगा, कहां से प्लेस कीजिए, प्लेस कहां प्लेस कीजिएगा, एजुकेशन सेस के बाद कि पहले, दिमाग में बैठा दिया ना कि बेसिक टैक्स से तीन रास्ते निकलते हैं, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, अमीरों के लिए। तो गरीबों के लिए रिबेट दिया हुआ है, आम आदमी कुछ नहीं प्लेन रास्ता है, और अमीरों में तो भाई साहब सरचार्ज है, डबल सरचार्ज है। जैसे 50 लाख के ऊपर गए ना तुम, टोटल टैक्सेबल इनकम TTI अगर तुम्हारी 50 लाख के ऊपर है ना, TTI 50 लाख के ऊपर है ना, तो भाई साहब 10% बेसिक टैक्स का सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से ऊपर होते ही हमने तो करोड़ सुना था, भूल जाओ, और करोड़ के ऊपर चला गया सर तो मुबारक हो, तब तो बहुत ही पैसे वाले हो गए तुम। ऐसा करो 15% सरचार्ज दे दो, चलो नहीं अभी तो 10 कहा था आपने, हाँ तो अब तो तुम ज्यादा पैसे वाले हो गए ना 15%। 50 लाख के ऊपर है तो 10% और
एक करोड़ के ऊपर है तो 15% सरचार्ज है। सरचार्ज कहीं इर्द गिर्द कहीं कभी कभी मार्जिनल रिलीफ, कभी कभी ये फूल खिल जाते हैं मार्जिनल रिलीफ के, दो चार आंसू के बूंद हैं जो गिर जाते हैं मार्जिनल रिलीफ के, यानी लगता है चोट लग गई ज्यादा मार्जिनल रिलीफ थोड़ा सा दे देते हैं। सरचार्ज कहीं इर्द गिर्द, हर जगह नहीं पाया जाता, ये एक दो जगह ही पाया जाता है, मैं सिखाऊंगा कैसे। उसके बाद जब ये तीन रास्ते अलग अलग गए थे ना, ये मिल जाते हैं और तीनों को पढ़ाई की जरूरत है, चाहे आम आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ाई तो सबको चाहिए। तो अब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं और क्या लग जाता है, एजुकेशन सेसेस। आम आदमी पे भी लगेगा, गरीब पे भी लगेगा। गरीब पे एजुकेशन सेस किस पर लगाइएगा, बेसिक टैक्स माइनस रिबेट, अब जो बचा उस पर लगेगा क्या 3%। उसी तरह अमीरों पे कैसे लगाइएगा, बेसिक टैक्स प्लस मार्जिनल रिलीफ, सॉरी प्लस सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ अगर है तो माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, फिर जो बचेगा उस पे एजुकेशन सेस। तो ये सब चीज़ें आपको हाथ खोलने में मदद करेगा कि लिख कैसे आंसर करना है, फटाफट आंसर करना है, कैसे आंसर करना है। बात आई समझ में? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू नीड फर्स्ट क्या, एक तो स्लैब, स्लैब तो जानते हो आप, नहीं जानते, यहाँ लिख लो, आप लिखोगे नहीं, कहीं लिख लो, कॉपी में लिख लो, कॉपी में, बाद में बुक में, ये जगह मैंने बनवाया था लिखने के लिए, तो जब बाद में बुक आ जाएगा ना तो इस जगह पर लिख देना ताकि बुक में मेंशन हो जाए, स्लैब रेट। फॉर इंडिविजुअल HF अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट या मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट निल, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से 5 लाख 5%, कभी 10 हुआ करता था आपके जमाने में, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से एबब 10 लाख 30%। बस एक ही प्रश्न है हमारे पास, क्या कि मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट क्या है। कुछ भी है तुम्हें क्या करना, अगर है तो कैसे निकालोगे, हाँ वो तो कर लेंगे फिर सर, फिर भी 2.5 लाख है, 2.5 लाख, अच्छा फिर समझ गए सर, 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, 10 के ऊपर 30%, समझ गए। अच्छा सुनो, ML 3 लाख है, अच्छा 3 लाख है तो 3 लाख तक 0, फिर 3 से 5, 5%, फिर 5 से, पहाड़ पे चढ़ना है कुछ तो प्लेन रास्ते भी मिलेंगे, सोच रहे हो इसको कौन बोलेगा, ये सब कुछ है भी हमारे लिए, हमें तो सीधा वो चढ़ाई का रास्ता दिखाओ टफ, कुछ तो प्लेन रास्ते भी दो चार कदम तो चलोगे, चढ़ाई शुरू होने वाली है बस, हैं वो भी मजा आएगा, अभी प्लेन रास्ते थोड़े बहुत। तो बताइए अगर 3 लाख है ML तो 3 लाख तक निल, 3 से 5 लाख 5% और 5 से 10 लाख 20 और 10 के ऊपर 30, ML 5 लाख है, ML 5 लाख है, तो ML 5 लाख है ही 5 लाख, तो 5 लाख तक निल हो गया, तो 5 से 5 तो कुछ बना ही नहीं, तो वो रास्ता ही कट गया, तो सीधा क्या बन गया 5 से 10 20 और 10 के ऊपर 30। अब देखिए थोड़ी चढ़ाई शुरू हो रही है, संभालिएगा, ये है ML। आपको मौका दिया जाता है 2 मिनट, आपकी परीक्षा हो रही है आंखों की जांच, अगर चश्मा सही है तो पावर सही होना चाहिए, नहीं है तो लगवा देंगे, देखना है यहाँ पे आपको 2 मिनट तक ML और 2 मिनट के बाद मैं आंसर पूछूंगा, बताइए। देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए, 2 मिनट है मतलब समय और भी बचा है, भी 1 मिनट, मर्जी आपकी है, बाद में नहीं कहना, एक बार और दिखाओ सर क्या कह रहे थे, पूरी तैयारी कर लो, जो तुम सोचोगे उसके बियॉन्ड फंसाऊंगा। तैयार,
हाँ बिल्कुल देख लो। डन, चलो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, अभी फंसाते हैं। लो भाई साहब बताओ। ये है 1718। हाँ बेटा आपको बताऊं, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रीवियस ईयर में, उस समय मैंने टोका नहीं, लेकिन मैं ध्यान रखा था, आपको बता दूंगा। जो हमारा दिसंबर में एग्ज़ाम है ना, उसमें हमारा PY 17-18 आएगा, 18-19 नहीं आएगा, AY 18-19 आएगा, ठीक है? PY 17-18, AY 18-19। अच्छा, तो ये PY है हमारा और ये AY है। आप जानते हो ये ड्यू डेट्स होते हैं हमारे पास ITR भरने के, ठीक है? राम जो है रेसिडेंट है, और वो पैदा हुआ 1 4 1958। आपको इसका MEL बताना है। जोड़ लीजिए, इसका डेट ऑफ जन्मदिन देखना है। जन्मदिन मैं दिखा देता हूँ, ये है जन्मदिन इसका। यहाँ पे ये कैंडल जला रहा है, 60th, यही तो होगा। PY ये है। अच्छा, देख लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये है कि गोपी जो रेजिडेंट है वो पैदा हुआ 1 4, इसके 1 साल पहले पैदा हो गया, यानी उसका 60वां जन्मदिन यहाँ है। ये गोपी यहाँ पर 60 साल का जश्न मना रहा है और राम यहाँ 60 साल का जश्न मना रहा है। बर्थडे ये है, ये बर्थडे। और बताइए, रमेश रेसिडेंट है वो पैदा हुआ 30 6। वैसे आंसर तो सेम ही होना चाहिए, फिर भी देखते हैं। यानी कि लगभग यहाँ वो 60वां जन्मदिन मना रहा है रमेश। सबके कैंडल 60वें साल, 60वें का ये जम रहा है। यानी कि रमेश का कहना है कि जब मैं टैक्स दे रहा हूँ, जब मैं ITR भर रहा हूँ, उस समय मैं 60 साल का हूँ। उसका आर्गुमेंट समझिए, रमेश कह रहा है कि ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर आई अचीव्ड 60 ईयर्स एंड आई एम रेजिडेंट, तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न आई एम 60 ईयर ओल्ड एंड रेजिडेंट, तो आई शुड अप्लाई माई MEL ₹3 लाख। ये रमेश का आर्ग्यूमेंट है, मैं नहीं कह रहा सही है। राम का आर्ग्यूमेंट है कि फ्रॉम द डे वन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर आई एम 60th, तो 60 ईयर ओल्ड, इसलिए मुझे 3 लाख मिलना चाहिए। गोपी कह रहा है मेरा तो हक ही है क्योंकि प्रीवियस ईयर के ही शुरू से मैं 60 साल का हूँ। तो बताइए इसमें किसका MEL 3 लाख होगा? गोपी का MEL 3 लाख होगा। मुझे लगता है इस बात से सब सहमत है कि कोई नहीं भी सहमत है। गोपी का अगर 3 लाख नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन ही बेकार ही है फिर। मतलब गोपी और क्या चाहते हो, कब कब हो वो भाई? प्रीवियस ईयर के शुरू से ही 60 साल का है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक आदमी यहां 60 साल का हुआ, मिस्टर हरी, इसका भी ले लेते हैं। मिस्टर हरी इसका बॉन्ड है 30th 11
1957, तो यहां वो 60 करोड़ है। इसका क्या आंसर है, हरी का क्या आंसर है? 3 लाख। मतलब प्रीवियस ईयर के बिगनिंग में होने की जरूरत नहीं है, बीच में भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ आपने शायद पढ़ लिया था ध्यान से, उस लाइन को ध्यान से पढ़ा था आपने, हैं? देखिए तो ऐसा लिखा हुआ कुछ मिला था क्या, अंडरलाइन किया हुआ था? है ऐसा कुछ पढ़ लिया था आपने एट एनी टाइम ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर? तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि हरी भी 3 लाख वाले में आ रहा है, अग्री। अच्छा रमेश का क्या कहते हो, रमेश ढाई या तीन? ढाई या तीन, कॉन्फिडेंस ढाई, कोई दूसरा उत्तर? तो यानी भाई तू आईटीआर भरते समय क्या है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है ना, यही तो बात हुई, तो इसका भी ढाई हो गया। राम का ठीक कितना, तू कुछ कह रहा था भाई, उसको दावा कर रहा था, बोल, कान मेरे बहुत तेज है, आज क्या लिखूं तेरे हिसाब से? ढाई है भाई, फिल्म तो देख ले, क्लाइमेक्स का पर्दा तो देख ले, क्या लिखा है तेरा जुआ? अब कह रहा मैं तो तीन कह रहा था, जुआ तूने सही खेला था, कह रहा था देख लियो तीन होगा, बाद में मुकर गया खुद ही, मैं नहीं खेलता पत्ते। यहाँ पे 3 आंसर है, इसीलिए मैं तुम्हें देख रहा था कि देखें तुम तुक्का मार रहे हो, जुआ खेल रहे हो कि कुछ दम भी है, तुम वापस बैक हो गए, कोई बात नहीं, आज के बाद नहीं हो गए, हम नॉलेज लेंगे ना तो सॉलिड रहेगा, रीज़न नहीं था ना तुम्हारे पास, तुक्का था, अभी रीज़न आएगा। चलो बच्चों रीज़न लेते हैं, मतलब बच्चों बोल दो कभी कभी चलेगा ना, मतलब ठीक है, हाँ तो हम रीज़न लेते हैं। ये बताओ अगर महीना अप्रैल का ही 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है तो एंड कब होता है? महीना पूछ रहा हूं भाई, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है तो एंड कब होगा? 30 अप्रैल या 1 मई? यानी 30 अप्रैल को तुम ये कहोगे कि महीना पूरा हुआ, ऐसा बोलोगे नहीं बोलोगे, या 1 मई को बोलोगे महीना पूरा हुआ? 1 मई को तो महीना नया स्टार्ट हुआ, पूरा तो 30 अप्रैल को हुआ, कोई दूसरा महीना ले लो, अगस्त का ले लो, 1 अगस्त को महीना शुरू होगा, यही बोलोगे तुम? तो 31 अगस्त को महीना पूरा हुआ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब बताओ ईयर 1 अप्रैल को अगर चालू होगा तो ईयर पूरा कब होगा? 31 मार्च को पूरा हुआ बोलोगे? अगर मैं 1 अप्रैल को पैदा हुआ तो मैं 1 साल पूरा कब होऊंगा? 31 मार्च को। यह झगड़ा था कि ये जो बंधु है माना कैंडल यहां जला रहे हैं लेकिन पूरा तो ये यहीं हो गए, और भले ही चाहे ये 1 अप्रैल को शाम में 7 बजे पैदा हुए हो, 1 अप्रैल को शाम में 10 रात के 10 बजे पैदा हुए हो, ठीक, तो 31 मार्च के रात के 10 बजे ये 1 साल के हो गए, करेक्ट है? तो इसी तरह ये 60 साल के कब हो गए? 31 मार्च के रात के 10 बजे। भाई पूरे प्रीवियस ईयर में कभी भी आप 60 के हो गए तो हम आपको 3 लाख देंगे, ऐसा कहा था, तो 3 लाख ले जाओ, लॉजिक समझे? इस पर झगड़ा था तो सुप्रीम कोर्ट, ऐसी ऐसी चीजें सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में 2016 के अगस्त में डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का कि भाई साहब बात में दम है, इसे 3 लाख की लिमिट दे दो, बहुत दूर तक आया ये, 3 लाख की लिमिट मिल गई। फिर CBDT ने अपने क्लैरिफिकेशन में लिखा कि ठीक है ये सही है, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनको 3 लाख मिलना चाहिए। तो आपने ये पढ़ा भी होगा नीचे, अगर ध्यान ना दिया हो तो CBDT का सर्कुलर आया था 28/2016 और ये इन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया, ये यही कन्फर्मेशन है, ठीक है।
तो ये भी 3 लाख कर लीजिए, लिख लीजिए 3 लाख, ये पूरा नोट कर लीजिए। स्लैब रेट ऐसे ही कॉपी कीजिए, कोई बात नहीं। जैसे इसको ऐसे कर लीजिएगा, तो इससे क्या पता होगा कि ये प्रीवियस ईयर हमारा अर्निंग का ईयर है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की अलग कॉपी एक बनाएंगे, और कॉपी का जो पेज है, नंबर ऑफ पेज, कोशिश कीजिए कि बहुत कम ना हो, लेकिन कम हो, मोटा ना हो ज़्यादा। उससे क्या होगा, एक टेक्निक है जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, उसमें 2 या 3 चैप्टर 4 चैप्टर ऐसे कवर होंगे और साइड हो जाएंगे, तो रिवीजन में थोड़ा सा आसानी होगा। अगर आप भर लेते हैं ना, तो रिवीजन में साइकोलॉजी ये है कि बहुत ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके करेंगे तो फटाफट वो टॉपिक वाइज रिवाइज हो जाएगा। नोटेड, देखिए बुक तो आपके पास नहीं है, जस्ट मैं एक चीज़ बस कह रहा हूँ, बुक लौटाने से पहले आप एक पेज को क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आप उसको देख कर आइए। वो पेज बता देता हूँ मैं, अभी कौन से पेज पे थे हम, 26 पे थे ना, शायद 27 नंबर पे देखिए स्पेशल इनकम दिख रहा होगा, स्पेशल इनकम और टैक्स रेट ऐसा दिख रहा है, 28 पे है। वो मुझे चाहिए अगली क्लास में, अगली क्लास में चाहिए मुझे स्पेशल इनकम का टैक्स रेट आप याद करके आए, ताकि हम क्वेश्चन जब करें तो आप उसे अप्लाई करें। पेज मिल गया, कौन सा पेज है ये, ये ये आपको कॉपी करना, ये 28 नंबर, ये मुझे चाहिए याद। इस पेज पर ये याद कर ले बस। तो ये बुक लौटाने से पहले क्लिक कर लीजिएगा, जिन्होंने बुक इशू नहीं कराया, जिसमें लिखा हुआ है नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A फॉर स्पेशल इनकम, यू मस्ट नो अबाउट दैट। सेकंड थिंग, स्पेशल इनकम्स के रेट्स हैं। सर आपने तो कहा था 14 स्पेशल इनकम है, 17 स्पेशल इनकम है, बिल्कुल शुरुआती तौर पे सिर्फ ये दिखा रहा हूँ, हैं और भी बहुत सारे। अच्छा, ये स्पेशल इनकम हम डील भी करेंगे एक एक करके, लेकिन अभी मोटा मोटा थोड़ा सा याद होना चाहिए। उसके बाद ये एक स्पेशल फीचर है, वो बाद में देख लेंगे, नोट बस आपको इतना भी याद करके आएंगे मेरे लिए चल जाएगा, बस ये थोड़ा सा याद करके आना है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी, कुछ आज मैंने इसे बताया, जैसे 115BBDA की डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड है 10 लाख के ऊपर 10% टैक्स रेट, एक दो चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, प्लीज़ क्लास का लेंथ थोड़ा सा देखिएगा, टाइम ले आइएगा। थैंक यू।